जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके ये थैंक यू। प्लेट प्लेट में मैंने लिया है पानी, ये नॉर्मल पानी है, ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये समझो आपका वायरस है, डर्ट है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे स्प्रिंकल करूंगी। ये बन गया हमारा वायरस। तो ऐसे ही वायरस होता है हाथों पे जो हमें दिखाई नहीं देता। अभी मैं इसमें एक उंगली डालूंगी तो ये देखो वायरस हिल नहीं रहा, वहीं पे है, वहीं का वहीं है। और अभी हम लेंगे इसी उंगली पे, अभी मैं हमारा हैंड वॉश लगाऊंगी, एक ड्रॉप, बस एक ही ड्रॉप लगाया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है। तो अभी आप देखोगे सारा का सारा वायरस एकदम दूर हट गया है। तो अगर आप इससे हाथ वॉश करोगे तो आपके हाथों में वायरस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दूसरे सोप से ऐसा नहीं होता। और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो ये नहीं हट रहा, दूसरे हाथ से दिखा रही हूँ। तो यही अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी सोप लगा के, तो वो पीछे हट जाता है। तो इसी तरह से आप अपने, और दूसरा जो हाथ आपके सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, वो वंडरफुल रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आप देख सकते हो कि सारा वायरस किल होके नीचे चला गया, पहले ऊपर फ्लोट कर रहा था, अभी नीचे बैठ गया है। तो इसलिए इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप इससे हाथ धोगे तो आपके हाथों की जो स्किन है वो रफ नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, क्योंकि इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो कि एलोवेरा। एलोवेरा आप सब जानते हो कि एलोवेरा से हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। तो आप मैं बॉडी वॉश के लिए भी मैं इसी से नहाती हूँ। तो इससे नहाने का फायदा क्या है कि मुझे अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाना पड़ता, तो इसी से स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप अपने हाथों का और स्किन का ख्याल रखना चाहते हो तो आप इसको ही यूज कीजिए, चाहे वो हैंड वॉश करने हो, चाहे आपको नहाना हो, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरे साबुन से मैंने बोला बार बार यूज करोगे तो हाथ ड्राई होते हैं, रफ होते हैं, इससे आपके हाथ एकदम स्मूथ रहेंगे। और ये मैं दिखा चुकी हूँ कि वायरस कैसे किल होकर खत्म हो गया है, नीचे बैठ गया है, ऊपर कुछ नहीं फ्लोट कर रहा है। जो पहले ऊपर फ्लोट कर रहा था वो अब ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारा हैंड वॉश का हो गया। अभी नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूंगी आपको हमारा डिश वॉश। तो आप देख सकते हो ये हमारा टेयांस का है और ये मार्केट का अवेलेबल है। तो इसके लिए भी हम दो ग्लासेस लेंगे। दो ग्लासेस में फिर से मैं पानी डालूंगी, नॉर्मल पानी है। ये दो स्पून है, ये जो टेयांस का जो यूज करूंगी वहां पे मैंने रेड कलर का मार्कर लगा दिया है और इस पे रेड कलर नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर मार्कर से मैंने कलर कर दिया कि आपको पता रहे कौन सा टेयांस का है और कौन सा मार्केट का है। जो टेयांस वाला ये रेड वाला लिया है वहां पे मैं दोनों स्पून में एक एक ड्रॉप ऑयल लगाऊंगी पहले। कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो एक एक ड्रॉप में दोनों में डाल रही हूं। और इसको हम लोग स्पून को अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसी तरह से सेम ऑयल यहाँ पे भी हमने स्पून को कोटिंग कर दिया। अभी एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप हम डालेंगे यहाँ पे। हमारा टेयांस का डिश वॉश डाल रही हूं, एक ड्रॉप, बस एक ही ड्रॉप डाला है।
आप तेल देख सकते हो, अभी भी तेल काफी है उसमें। और दूसरी तरफ जो मार्केट का है विम, तो उसको डाल रही हूँ, उसका भी एक ही ड्रॉप डालेंगे। अभी इसको पानी में डालेंगे दोनों को। आप देख सकते हो जो टेयांज वाला है वो पानी भी गंदा हो गया है, और ये जो मार्केट का है वो पानी भी गंदा नहीं हुआ। और इसमें अगर आप देख सकते हो तेल दोनों में आया है, पर अगर आप चिकनाहट देखोगे, दोनों की चिकनाहट देख सकते हो, इस पे अभी भी चिकनाहट है, ये कम्प्लीटली साफ हो गया है। राइट वाला जिसपे मैंने टेयांज का वो रेड कलर लगाया था वो एकदम साफ हो गया है। इस पे आपको अभी भी, ये घर में आप करके देख लेना, तो इस पे चिकनाहट आपको नजर आएगी। इसकी 50% चिकनाहट गई है और इसकी 100% चली गई है बिना टच किए, और पानी भी इसका गंदा हो गया है, और यहाँ तेल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, हाँ, और मैं इसके बारे में बताना चाह रही थी, ये जो है ये 100% केमिकल्स है। केमिकल्स में जो बर्तनों पे मैंने बोला लगा रह जाता है, तो वही केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं जिससे कैंसर होता है और बहुत सी बीमारियां आती हैं। तो जितना भी पानी से धो लो फिर भी थोड़ा बहुत सोप लगा रह जाता है बर्तनों को। और यहाँ पे हमारा टेयांज है जो 100% हर्बल बना हुआ है, विदाउट केमिकल्स बना हुआ है। वैसे तो ये रहता ही नहीं है, मैंने आपको दिखाया कि पानी में रिंस किया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी पूरा का पूरा स्पून भी क्लीन हो गया और उसके ऊपर सोप लगा भी नहीं रहा। अगर ये बाय चांस लगा भी रह जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। टेयांज के जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब आपको कोई भी नुकसान नहीं है उसमें, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है और केमिकल्स भी नहीं है, तो 100% इफेक्टिव और 100% नेचुरल है। नेक्स्ट दिखाती हूँ जो हम रोज यूज करते हैं, हर घर में यूज होता है, जो दांतों की केयर करता है, हमारा ओरल केयर। तो इसकी खूबियां क्या है, अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग है गम्स में, या दांत थोड़े हिल रहे हैं, या दांतों में या गम्स में दर्द हो रहा है, या जो डेंचर लगाते हैं, डेंचर लगाने से जो वूंड हो जाते हैं तो वो वूंड्स के लिए, या फिर मुंह जैसे आपके माउथ अल्सर हो जाता है तो माउथ अल्सर के लिए भी, तो ये बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। और दूसरा, जिनके मुंह से बदबू आती है तो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। जो मुंह में से स्मेल आती है तो वो ब्रश ना करने की वजह से नहीं आती, वो हमारे इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम होती है। तो इंटेस्टाइनल को कैसे ठीक करना है उसके लिए आपको इसके साथ साथ एफओएस पाउडर भी लेना पड़ेगा, तो आपकी मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। तो आइए इसकी डेमो दिखाते हैं। इसकी मैं आपको दो डेमो दिखाऊंगी। तो राइट साइड हम ये लगाएंगे, और ये मैंने कोलगेट खरीदा है आज डेमो के लिए छोटा सा। तो राइट साइड में हम लोग ओरे केयर लगाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट लूंगी मैं। और लेफ्ट साइड पे कोलगेट लेते हैं, कोलगेट वही जो मार्केट में मिलता है। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी टर्मरिक, इतनी सी टर्मरिक मैंने ली है, यहां डालूंगी, और सेम क्वांटिटी की टर्मरिक यहां डालूंगी। अभी इसको मिक्स करते हैं।
देखो कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, येलो का येलो कलर ही है। अभी दूसरी उंगली से मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया है, येलो नहीं रहा, आपको फर्क नजर आ रहा हो। ये एकदम जैसे हल्दी का कलर था येलो है और ये ऑरेंजिश हो गया है, डार्क हो गया है। और अभी कलर नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, ये ऑरेंज हो गया है मस्टर्ड कलर और ये एज इट इज येलो है। अभी इसकी एक और डेमो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये फिर से मैंने जो टेयांस का है उसको रेड कलर कर दिया है यहाँ पे स्पून को। इसको रखेंगे हम राइट साइड और ये इस पे कोई मार्क नहीं है, इसको रखेंगे लेफ्ट साइड। तो इसमें फिर से मैं पेस्ट लूंगी, ये ओरेकेयर लिया है राइट साइड में, स्पून में कुछ नहीं है, खाली है। और लेफ्ट साइड में फिर से हम लोग कोलगेट लेंगे। अभी इसमें मैं डालूंगी विनेगर, विनेगर जिसको हम सिक्का भी बोलते हैं, क्योंकि जो विनेगर होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा एसिडिक होता है विनेगर की तरह। विनेगर तो दोनों में हम विनेगर डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, लास्ट में फिर से आपको दिखाऊंगी कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वो कोलगेट है वो घुल जाएगा और जो हमारा ओरेकेयर है वो नहीं घुलेगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं जब तक मैं दूसरी डेमो दिखाती हूँ। नेक्स्ट लेते हैं सोप। इसकी कोई डेमो नहीं है, इसके बारे में मैं वैसे बता देती हूँ। जो पहले सोप आता था हमारा 6 का बॉक्स, उसकी डेमो होती थी। इसके लिए डेमो के लिए एक स्किन टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल पेन आता है जो कि बताता है कि स्किन में कितना मॉइस्चराइजर है और कितनी ड्राइनेस है। तो वो फिल वक्त मेरे पास नहीं है। तो ये जो सोप आता है ये 3 के पैक में आता है। तो ये जो है ये नीम एंड चारकोल, इसमें वो चारकोल यूज किया जाता है जो स्पेशल होता है, मतलब बेबी बैम्बू से बना हुआ। सो बेबी बैम्बू से बना हुआ चारकोल, ये आधा चारकोल है और आधा नीम। तो इसमें नीम, जैसे कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, जैसे सोरियासिस हो, रैशेज हो, ईचिंग हो, कुछ भी हो स्किन की एनी प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको ये नीम वाला यूज करना, नीम एंड चारकोल। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स के लिए आपको टी ट्री, ये वाला जो है ट्रांसपेरेंट, ये टी ट्री है, टी ट्री और चारकोल, तो आपको टी ट्री वाला यूज करना है। और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप खूबसूरत स्किन चाहते हो, ग्लो चाहते हो, ग्लो के लिए आपको ऑरेंज वाला यूज करना है, ये है ऑरेंज। अभी इसको यूज कैसे करना है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको चेहरे पे लगाया, लगा के उसी टाइम स्प्लैश करके धो लिया। वैसे नहीं करना, इसको यूज इस तरह से करना है, चेहरे पे लगा लिया हाथों में लेके, ताकि दोनों साइड हो जाए, दोनों साइड ऐसे घुमा के, तो उसको लगा के चेहरा गीला करके 5 मिनट तक इसको रब करना है अच्छे से, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें जो हर्ब्स है वो आपकी स्किन में जा सके। जैसे टी ट्री है या नीम है या ऑरेंज है, वो एसेंस आपके स्किन में जा सके। तो उससे आप ये जो छोटे वाले नकल्स है, सॉफ्ट वाले पहले वाले, ऐसे ऐसे आप मसाज कर सकते हो। 5 मिनट के लिए मसाज करो, मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दो।
उसको कंप्लीटली छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, ड्राई होने दो अपने आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट रहने के बाद फिर आप नॉर्मल पानी से उसको स्प्लैश करके धो सकते हो और फिर हल्के हाथ से सुखा सकते हो। और उसके बाद कोई भी मन चाहा जो भी मॉइस्चराइजर आप पसंद करते हो तो वो मॉइस्चराइजर आप इसको लगा सकते हो स्किन के ऊपर, तो आपकी त्वचा एकदम निखर उठेगी। और ये जो है, ये जो चारकोल है, जो स्किन के पोर्स में इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी छोटे छोटे छेद होते हैं वो शरीर की स्किन में होते हैं ताकि स्किन ब्रीद कर सके, वो छेद के जरिए, होल्स के जरिए स्किन ब्रीद कर सके। तो अगर वो ना हो तो हमारी स्किन और डेड और डल दिखने लग जाएगी। तो ये जो चारकोल है उसके होल्स के अंदर, छेदों के अंदर जो इम्प्योरिटी, जो गंदगी फंस जाती है, ये उसको खींचता है, उसको खींच के बाहर निकालता है। तो इसलिए चारकोल उसमें भी काम करता है। बाद में क्वेश्चन आंसर दूंगी, जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अभी आते हैं हमारा हेयर ऑयल के ऊपर, आमला हेयर, आमला एंड नीम हेयर ऑयल। ये आमला एंड नीम जो हेयर ऑयल है इसके बहुत सारे फंक्शंस है, ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जिनको हेयर फॉल होता है उनको, या जिनको डैंड्रफ होता है उनके लिए, या जिनके सर में रैशेज होते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आजकल बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत है तो उसके लिए मैं जिंक देती हूँ। जिंक के साथ मैं बोलती हूँ स्पायरुलिना के कैप्सूल, इसमें मिक्स करके आप बालों को लगा सकते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं उनको प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत जरूरी है, ओमेगा बहुत जरूरी है उनके लिए, तो और जिंक, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ये लगाना चाहिए। तो इसमें आप स्पायरुलिना के कैप्सूल भी लगा सकते हैं जो कि बालों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। और इसको अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, कोई लाइक ड्राइनेस है स्किन, या स्किन रैशेज होते हैं, या आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, तो उस हालत में क्या कर सकते हैं, सोरियासिस की प्रॉब्लम के लिए आप इसमें चीटोसिन के कैप्सूल मिला सकते हैं। चीटोसिन के कैप्सूल मिला के मिक्स करके आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं जहां जहां की आपको प्रॉब्लम है, या यहाँ यहाँ पे भी वूंड्स है। सोरियासिस में कई बार ऐसा होता है कि जख्म खुजली कर करके काफी बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं और उसमें से ब्लीड भी करने लगता है, वो खून आने लगता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अफकोर्स सप्लीमेंट भी लेने होते हैं बट इसको भी लगाना होता है। और जिनको भी स्किन रैशेज आते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर पिंपल्स हैं तो पिंपल्स के ऊपर हमारा, मैं हमेशा बोलती हूँ, टूथपेस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है पिंपल्स के ऊपर। तो अगर ज्यादा पिंपल हो रहे हैं तो आप इसमें चिटोसन भी मिला सकते हैं। और माउथ अल्सर में, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको माउथ अल्सर हुआ, या गम्स में जो डेंटर लगाते हैं तो उनको गम्स में प्रॉब्लम है, तो रात को सोते वक्त ये अपने अल्सर पे, माउथ अल्सर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर माउथ अल्सर या डेंचर का जख्म ज्यादा बड़े है, ज्यादा गहरे है, तो इसको हाथ पे लेके एक चिटोसिन का कैप्सूल ऐसे मिला के सोने के टाइम वहां वहां लगा सकते हैं, जहाँ पे भी जख्म है और यहाँ पे भी माउथ अल्सर है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो पानी कम पीने की वजह से काफी लोगों को माउथ अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, और माउथ अल्सर के लिए मल्टीविटामिन लेना बहुत जरूरी है। जिनको भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन ले, विटामिन बी की कमी से भी माउथ अल्सर होता है। तो जिनको मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है तो वो भी क्या कर सकते हैं, जैसे स्वेलिंग है, रात को सोते वक्त इसको वहां पे पेस्ट की तरह लगा के सो सकते हैं। तो जिनके मुंह से बदबू आती है सुबह शाम दो टाइम करें तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको भी जहाँ पिंपल्स है तो वहां पिंपल्स पे लगा सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए। ये नॉन स्टिकी है, ये नॉन ग्रीसी है, मतलब अगर आप बाहों पे भी लगाते हो, थोड़ा ड्राई स्किन की वजह से लगाते हो, तो आपको इसकी स्टिकीनेस फील नहीं होगी, मतलब जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है स्किन के लिए और बालों के लिए। डैंड्रफ में वैसे तो नीम आमला दोनों ही डैंड्रफ में रिजल्ट अच्छे देते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कैम्फर, कैम्फर का एक टिकिया का पाउडर बना के और साथ में एक नींबू निचोड़ के, तो ये तेल इतना सारा लेके, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। सारी टाइम छोड़ दो, सुबह को नहा लो, तो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये है हमारा शैम्पू। शैम्पू का आपने डेमो देखा होगा, और इस वक्त इसकी डेमो मैं नहीं दिखा सकती,
क्योंकि कोई है नहीं, तो इसको आपने कैसे लगाना है, इससे ये सिल्की हेयर के लिए या ऑयली हेयर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिनके बाल बहुत ऑयली, कुछ लोगों को रोज हेड बाथ करना पड़ता है, उनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली रहते हैं, बाल ऑयली होने की वजह से उनको रोज डेली हेड बाथ करना पड़ता है, या वो लोग थोड़ा टेलकम पाउडर डालते हैं बालों की ऑयलीनेस खत्म करने के लिए, क्योंकि वो चिपकू राम जैसे स्टिकी स्टिकी बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, वंडरफुल रिजल्ट देता है। दूसरे जिनके नॉर्मल और ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर वाले इसको ना यूज करें तो अच्छा है। नॉर्मल हेयर वाले पहले ऑयल लगाना है, सारी रात ऑयल लगा के आपने छोड़ना है, ठीक है, पूरी रात ऑयल लगाने के बाद सुबह को इसको लगाना यूज कैसे करना है, बालों को वेट करो और थोड़ा शैम्पू लो, हाथों में मिला के अच्छे से लैदर करके आपने, क्योंकि इसमें कंडीशनर भी है, आपने उसी टाइम नहीं धोना, 5 मिनट इसको छोड़ दो, 5 मिनट के लिए, तब तक आप अपने अंडरगारमेंट्स वॉश कर सकते हो या अपना बॉडी वॉश कर सकते हो, और बॉडी वॉश के लिए आप ये यूज कर सकते हो, तो तब तक आप अपना बॉडी वॉश यूज कर सकते हो ताकि कंडीशनर आपके बालों में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। तो उसके बाद अगर आप वॉश करोगे तो आपके बाल जो है नॉर्मल हेयर वाले और ऑयली हेयर वालों के लिए एकदम सिल्की बाल हो जाएंगे, ड्राई हेयर वाले इसको ना यूज करें क्योंकि उनके और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर कैसे काम करता है, आजकल जैसे कोविड में कुछ भी डिसइंफेक्ट करना है, इसके बेनिफिट्स पहले मैं बता दूं, ये O3, O2 इज ऑक्सीजन, O3, ये O3 के ऊपर वर्क करता है, जो O3 होती है वो प्योर ऑक्सीजन होती है विच किल्स वायरस। तो ये ओजोन, मैं ओजोन थेरेपिस्ट हूँ, मैं ओजोन से ही अपने पेशेंट्स को ठीक करती हूँ, मैं कैंसर के पेशेंट भी ओजोन थेरेपी से ठीक करती हूँ, स्लिप डिस्क भी ओजोन के इंजेक्शन से ठीक करती हूँ, नी ज्वाइंट पेन भी मैं ओजोन के इंजेक्शन से ठीक करती हूँ। तो ओजोन हम काफी चीजों में यूज करते हैं, तो ये उसी ओजोन से रिलेटेड है। तो इसको ऑन करने के लिए छोटा फ्रिज है तो एक, मीडियम फ्रिज है तो दो, अगर बड़ा फ्रिज है तो 3। फिर से दिखाती हूँ, सिंगल छोटे फ्रिज के लिए, मीडियम फ्रिज के लिए और बड़े फ्रिज के लिए, इसके पीछे बटन है। और इसको चार्ज कैसे करना है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो इसको इस तरह से यहां से चार्ज कर सकते हो, और इसको ऑन करके फ्रिज में रख दो, और जैसे ही इसका चार्जिंग चला जाएगा तो आप फिर से इसको चार्ज कर सकते हो। आजकल कोविड में ये आपके सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस को किल करता है, यहां से ओजोन की स्मेल आती है, अगर आप स्मेल करोगे, बहुत ओजोन को वैसे स्मेल नहीं करते, अगर आप देखना चाहोगे एक बार देख सकते हो कि ओजोन की स्मेल यहाँ, कि आपका एटमॉस्फेयर, पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन करता है। तो पहले फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज की जो भी पेस्टिसाइड वाली चीजें होती हैं हम लाके बिना धोए, अक्सर हर घर में ऐसा होता है, बिना धोए मार्केट से हम चीज लेके आते हैं और अपने फ्रिज में रख देते हैं, नीचे फ्रीजर का मतलब वेजिटेबल्स रखने का, फ्रूट्स रखने का जो अलग कंपार्टमेंट बना है हम वहां पे रख देते हैं। होता क्या है, ऊपर कुक्ड खाना पड़ा है या केक पड़ा है या कट फ्रूट्स ये पड़े हैं या कट वेजिटेबल्स पड़ी हैं, दूध भी पड़ा है, तो वही बैक्टीरिया क्या है, नीचे से ट्रेवल करते करते ऊपर हमारे दूध में, हमारी खाने वाली चीजों में, सब में वही बैक्टीरिया आ जाते हैं बाई डिफॉल्ट, जो कि वो बैक्टीरिया ऐसे दिखाई नहीं देते, नंगी आप उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो वही हमारे खाने में आ जाते हैं, दूध में आ जाते हैं, वही हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसी की वजह से हमें बीमारियां आती हैं, बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसी की वजह से कैंसर भी होता है। तो ये क्या करता है, अगर ये फ्रिज में पड़ा है तो फ्रिज में जितना भी वायरस है, जो भी सब्जियों से आने वाले वायरस है, बैक्टीरियाज है, ये उसको 100% किल करेगा। या कोई पुरानी चीज पड़ गई पड़ी है, आप उसको भूल गए हो, एक महीना पड़ा है, पड़ी रही है चीज उसी में, तो उसमें फंगस आ गया है, तो फंगस क्या है, वो भी वायरस है, तो वो ही सारी चीजों में फिर से स्प्रेड होता है। अगर आपके फ्रिज में ये पड़ा है तो उसका फंगस आपके खाने वाली बाकी चीजों पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा,
और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे शूर ऐप है, शूर ऐप में हमेशा बंद रहता है, बदबू आती है, बट उसके लिए अलग होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वही आपने फ्रिज में रख दिया, वही आपने शूर ऐप में रख दिया, वही आपने टॉयलेट में रख दिया, तो शूर ऐप में भी आप इसको रख सकते हैं, तो ये सारा वायरस और फंगस खत्म कर देगा। और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि कपड़ों में एक अलग, अलमारियों में एक अलग सी स्मेल आने लगती है, तो उस स्मेल को खत्म करने के लिए आप अपनी अलमारी में आधे घंटे के लिए इसको ऑन करके रख सकते हो, तो जो भी वायरस है उसमें, फंगस है, वो खत्म हो जाएगा। बाथरूम में सबसे ज्यादा कहते हैं कि टॉयलेट में बैक्टीरियाज होते हैं, मैं कहती हूँ टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं हमारे फ्रिज में, इसलिए ये हर फ्रिज के लिए बहुत जरूरी है। तो टॉयलेट में फिर से टॉयलेट के लिए दूसरा होना चाहिए, फ्रिज वाला निकाल के आप कहीं नहीं रखोगे, जो फ्रिज में है वो सिर्फ 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 फ्रिज में रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो आप अपने टॉयलेट में रख सकते हो, वो आप अपने रूम में रख सकते हो, अगर कोई गेस्ट आया है तो आप वहां पे ऑन करके इसको रख सकते हो, ताकि साथ ही साथ वायरस किल होता रहे। और दिन में घर में किसी भी चीज को, जैसे डोर्स को, हैंडल्स को, किसी को भी डिसइंफेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये हैंडल है, घर का मेन डोर का हैंडल है, तो यहाँ से मैंने बोला ये जो होल है यहाँ से ओजोन आती है, तो ऐसे आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे के दूध की बोतल है या हमारी कटलरी है घर में, ये हमारी कटलरी है, उसके लिए आप फ्रिज वाला यूज कर सकते हो, टॉयलेट वाला नहीं यूज करना। तो फिर से वही यहाँ से आएगा, तो आप अपने फोक को, अपने स्पून को, अपनी कटोरी को, अपनी प्लेट्स को, सबको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और जो आपकी किचन में खाना बनाने वाली जितने भी चीजें हैं उन सबको आप इससे डिसइंफेक्ट कर सकते हो। बच्चे की दूध वाली बोतल, तो उसको भी इससे थोड़ी देर के लिए ऐसे बोतल के ऊपर रख लो, तो उसको भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और जिनके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स के लिए ये वाला फिर से, तो ऐसे चेहरे पे ले सकते हो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, पिंपल्स को टच नहीं करना, तो ऐसे चेहरे पे जहां जहां भी डार्क सर्कल है उसके लिए और पिंपल्स के लिए आप दो दो मिनट वहां रख सकते हो, यहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन हो रही है तो वहां पिगमेंटेशन के ऊपर भी आप 5-5 मिनट रख सकते हो। और सर में डैंड्रफ है, डैंड्रफ के लिए, अच्छा पिंपल्स के लिए, जब स्किन के लिए यूज करना है तो वेट होना चाहिए, तो एक टिश्यू को वेट कर लो, टिश्यू को पानी में वेट करके पहले चेहरे को वेट कर लो, चेहरा जब गीला हो जाए तो फिर, क्योंकि ओजोन डजंट वर्क ड्राई, ये ड्राई काम नहीं करती, तो इसको पहले गीला कर लो, उसके ऊपर पिंपल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए भी आपको पहले स्किन को गीला करना पड़ेगा फिर कर सकते हो। अगर कान में दर्द है, कान में पहले 2 बूंदे पानी के डाल लो, फिर इसकी हवा तो ऐसे कान को लगा लो आप। अगर बालों में डैंड्रफ है तो भी, जब गीले बाल होते हैं, बेटर है कि आप नहाने के बाद कीजिए, जब गीले बाल होते हैं तो ऐसे पार्टीशन निकाल के आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके अपने सर में ले सकते हो, पार्टीशन निकालते जाओ और सर पे लेते रहो, तो ये डैंड्रफ को भी, वायरस को भी, डैंड्रफ भी एक वायरस होता है, बैक्टीरियाज होता है, तो उसको खत्म कर देगा। और जो स्किन सोरियासिस के पेशेंट है, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो कॉटन ले ले, कॉटन से पहले स्किन को वेट कर ले या पानी डाल ले, फिर भी उसको वेट करते रहे, तो उसके ऊपर जहां पे भी उनको प्रॉब्लम है स्किन की, तो वहां पे इसको टच मत करे बिना टच किए, तो वहां पे भी 10 मिनट के लिए आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स है एक फ्रिज प्यूरिफायर के। और अगर आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, होम मीटिंग के लिए जाते हैं, तो पहले ही इसको निकालिए, ऑन करके टेबल पे रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो पता नहीं किस तरह का वायरस हो, या वैसे सर्दी खांसी जुकाम, कोल्ड अगर कोरोना ना भी हो तो सर्दी खांसी जुकाम तो लोगों को रहता ही है, तो कॉमन, तो उसके लिए भी आप इसको पहले निकाल के टेबल पे ऑन करके रखिए, तो लोग पूछेंगे भी क्या है। पैसे लेते हैं तो पैसों को तो धो नहीं सकते, पैसे के लिए तो आप ये नहीं यूज कर सकते, तो पैसों के लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोट है, तो नोट को भी ऐसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं दोनों साइड। और फिर अगर आपके पास सोप नहीं है तो अपने हाथों को भी आप, जहां जहां टच किया है, सैनिटाइजर नहीं है तो आप हाथों को भी
किसी चीज को भी आप इससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, खासकर किचन, घर, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो सारे घर के कॉर्नर्स को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और रात को अगर आपका एक्स्ट्रा है तो रात को आप इसको ऑन करके सो सकते हैं, तो आपको सारी रात फ्रेश एयर मिलती रहेगी, तो चार्ज करके भी सो सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स है इसके, तो मैं चाहती हूँ कि ये हर घर में कम से कम दो तो होने ही चाहिए, एक आपके फ्रिज के लिए और दूसरा जो आप बाथरूम में, शू रैक में, अपने रूम में और अपनी अलमारी में, हर जगह 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा रख के अपनी हवा को प्योर कर सको। और यही जो बाथरूम वाले हैं वो भी जहां भी घूमने जाते हो, मीटिंग में जा, हाँ कार के लिए, ऐसी हमारी कार है, कार भी बेसमेंट में खड़ी रहती है और 24 घंटे बंद रहती है, तो वहां पे भी कितना हम धूप में लेके जाते हैं या कितनी हवा में लेके जाते हैं। हवा में भी अगर हम बाहर जाते हैं तो कार को बंद ही रखते हैं, मतलब एसी ऑन कर लेते हैं, तो कार के वायरस और बैक्टीरिया कभी भी खत्म नहीं होते। बहुत ज्यादा जैसे फ्रिज में मैं बोल रही हूँ बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही हमारी कार में भी होते हैं। तो कार में भी आप इसको आधा घंटा, कहीं पे भी जाना है आधा घंटा ऑन करके छोड़ दो। अब कार इतनी बड़ी है, अगर इसको ऑन रख के भी आप एसी चला के भी कार ड्राइव कर सकते हो, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा आपको फ्रेश एयर मिलेगी और कार में जितने भी वायरस है सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हैंडल, कार के हैंडल, कार की सीट्स, सबको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो इतने सारे बेनिफिट्स है इसके, तो मेरी राय यही है कि ये हर घर में होना चाहिए, कम से कम दो। अरे आजकल तो ऑफर भी चल रही है 1099 में सर, तो वो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो आप फ्री में अचीव कर सकते हो इसको। आवाजें बहुत आ रही है, तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टार प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारा सैनिटरी नैपकिन है। सैनिटरी नैपकिन की आप सबने बहुत सारी डेमो देखी होगी, बट मैं जो डेमो दिखाऊंगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। आपको पता है कि इसकी ये पिक्चर्स आपने देखी होगी कि हर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो रही है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। तो औरतों में 4 तरह के कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, एक तो सर्विक कैंसर जो यूट्रस और वजाइना का जो रास्ता होता है, सर्विक कैंसर, और दूसरा ओवरियन कैंसर, ओवरीज का कैंसर भी बहुत ज्यादा होता है, और तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर, और चौथा है यूट्रस का कैंसर। तो ये 4 कैंसर औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये क्यों होते हैं आपको पता है ना सबको, तो उसके बारे में बताती हूँ क्यों होते हैं। पर ये कैंसर जो होते हैं, आप सब पिक्चर देख सकते हो, इस तरह के होते हैं, और जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर आपने देखा होगा ये ब्रांड यूज करते हैं, ये है विस्पर। किसी को भी पूछो सैनिटरी नैपकिन, उनके दिमाग में एक ही आता है विस्पर। और विस्पर किस तरह से बनता है आप देख सकते हो, विस्पर ऐसे, ये जो कचरा हम फेंकते हैं घरों से बाहर, गार्बेज, वो गार्बेज से ही विस्पर बनता है। और इसको जो भी जंक होता है उसको, इसको डाई करने के लिए व्हाइट कैसे बनाते हैं, इस तरह से 6 तरह से डाई करते हैं उसको, जब पिघलाते हैं तो ये होता है, फिर ये होता है, ऐसे होते होते इसको व्हाइट बना देते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं, ये केमिकल से करते हैं। केमिकल्स, कौन सा केमिकल, वो केमिकल का नाम है डाइऑक्सिन। ये जो डाइऑक्सिन है, ये 130 टाइम्स मोर पॉइजनस है देन साइनाइड। साइनाइड फिल्मों में देखा होगा कि हल्का सा कतरा जीप पे रखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो ये साइनाइड का कतरा, एक मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में वो रखते हैं, जो एक पिन होता है या नीडल होती है, नीडल का पॉइंट, अगर उतना सा साइनाइड लिए तो बंदा मर सकता है। जबकि ये जो आप यूज करते हो वो 130 गुना ज्यादा
पॉइजनस है, ज्यादा डेंजरस है। तो इसके बारे में और बात करते हैं डेमो के साथ साथ। ये है इंडिया का नंबर वन बिकने वाला सैनिटरी नैपकिन, जो कि इस तरह से होता है। अच्छा, इसको हम खोलते हैं तो ये प्लास्टिक है, तो इसको खोलने के बाद हम दोबारा बंद नहीं कर सकते, ये ऐसे ही खुला रहता है, ऐसे ही खुला बाथरूम में पड़ा रहता है। तो इसमें क्या जाता है, जो भी वायरस और बैक्टीरियाज है वो इजिली इसके अंदर जा सकते हैं। ओके, ये पहली लेयर इसकी प्लास्टिक है। और अभी लेते हैं हम हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन, और उसकी कोई, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी 3 साल की एक्सपायरी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, 3 साल की एक्सपायरी यहाँ पे लिखा रहेगा, आप देख सकते हो। और इसको, ये इसमें मैंने कुछ पीसे यूज किए हुए हैं, बट इसको जितनी बार भी हम खोलेंगे, ये फ्रूट गम लगा हुआ है, तो एक पीस लेने के बाद आप इसको दोबारा बंद कर सकते हैं। और इसमें सबके सब में एक गिफ्ट भी है, फ्री गिफ्ट, वो फ्री गिफ्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, एक पीस लिया, एक पीस लेने के बाद फिर इसको हम दोबारा बंद कर सकते हैं, और ये 100% बंद हो गया है, उसकी तरह खुला नहीं है। तो अगर ये बाथरूम में भी पड़ा रहे तो इसमें कुछ भी जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये 100% सील हो चुका है। अभी कंपेरिजन देखते हैं, ये जो है मैंने सील्ड पीस लिया है, ये सील्ड पीस देखो, सिर्फ यहाँ थोड़ी सी टेप लगाई है, बाकी खुला है। यहाँ पे हमारा प्राइवेट पार्ट टच होता है, वहां इस वक्त मेरी उंगलियां टच हो रही है, ये इतना ही बंद होता है, बस एक हल्की सी टेप लगा के बोल देते हैं सील है, बाकी सब खुला रहता है। यही हमारी जो बहू बेटियां हैं, वो बहने हैं, वो स्कूल बैग में रखती हैं, या हैंड बैग, जो काम करने वाली है वो हैंड बैग में रखती है। तो इस तरह से वही बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, इससे ये साइडों से अंदर जाते हैं, और जब वो यूज करती हैं तो वही बैक्टीरिया उनकी वजाइना में जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसको मैंने खोल लिया, और इसका जो सेकेंड लेयर है ये भी क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक कॉजेस कैंसर, आप सबको पता है कि प्लास्टिक से कैंसर होता है। ये जो है गम, ये फिर से केमिकल गम है, कभी आपने देखा होगा कि पैंटीज के ऊपर लगा रहता है, जितने भी ब्रश से रगड़ो वो नहीं जाता। तो इसको हम लगाते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन। ये अगर लड़कियां अपने स्कूल बैग में या अपने पर्स में रखे तो कोई हार्म नहीं है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली एयर टाइट, ये चारों तरफ से बंद है। तो अगर आप देखोगे तो मेरी उंगलियां इसके अंदर नहीं जा रही, क्योंकि ये चारों तरफ से सील है। अभी इसको खोलेंगे, और इसका ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स इजिली आप इसको रिसाइकल कर सकते हो। और इसके पीछे जो गम लगा है वो है फ्रूट गम, अगर आप इसको स्मेल करोगे तो वही बबल गम की आपको स्मेल आएगी। तो इसको हम लगाते हैं हमारे राइट हैंड साइड, आप इसकी शेप देखो, इसकी शेप बॉडी जैसे है, 4 विंग्स है, 1 2 3 4, और इसने बॉडी की शेप ली हुई है। और इसके विंग्स देखो, इसके 2 ही विंग्स है, और ये देखो ये एक्स्ट्रा वाइट है। एक्स्ट्रा वाइट कैसे किया उन्होंने, वही डाइऑक्सिन डाल के, और ये कॉटन की तरह है, नॉर्मल वाइट है जैसे कपड़ा और वो होते हैं। तो अभी जो
हमारा फ्लो होता है पीरियड्स के दौरान वो होता है 30 to 90 ml, डिपेंड करता है एज के ऊपर, तो इसलिए 30 to 90 ml फ्लो होता है। तो मैंने यहाँ पे 50-50 ml वाटर लिया है, 50 ml इसमें है, 50 दोनों में इक्वल है, आप देख सकते हो दोनों में इक्वल है, दोनों में 50-50 ml लिया है। तो अभी हम राइट और लेफ्ट दोनों पे 50-50 ml लिक्विड डालेंगे। दोनों का खत्म हो चुका है पानी, तो अभी हम टिश्यू पेपर लेंगे। ये टिश्यू को मैं यहां विस्पर के ऊपर रख रही हूं, विस्पर का आप देख सकते हो पूरा का पूरा पानी बाहर आ गया है, और यही एक टिश्यू मैं हमारे स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन के ऊपर रख रही हूं। आप देख सकते हो कुछ भी बाहर नहीं आया, ये पूरा वेट हो गया है और ये कुछ भी बाहर नहीं आया, 100% उसने सोक कर लिया है, एकदम ड्राई है। तो इसका आप देख सकते हो पूरा का पूरा टिश्यू एकदम गीला हो चुका है, इसका मतलब है कि ये विस्पर है वो और पानी नहीं ले सकता, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर से हम 50 ml एक और सिरिंज 50 ml इस स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डालते हैं। तो 50 + 50 कितना हो गया, 100। पुराने जमाने में मैं एक थोड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ, अच्छा ऐसे ही रखती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। पुराने जमाने में जब औरतें कपड़ा और कॉटन यूज करती थी, तब तो ना पीसीओडी प्रॉब्लम था, ना सिस्ट प्रॉब्लम था, ना फाइब्रॉइड था, ना कैंसर होता था, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक कैंसर, ये कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो या तो कपड़ा यूज करते थे या कॉटन यूज करते थे। ये सारी बातें आज के जमाने में क्यों है? थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, वो सब किसकी वजह से है? ये प्लास्टिक वाले सैनिटरी नैपकिन की वजह से। तो यहाँ पे हमने 100 ml पानी डाला था, वही वाला टिश्यू मैं फिर से यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम रखेंगे, और आप देखोगे मैं हाथ भी फेर रही हूँ, फिर से 100% ड्राई है, जरा भी टिश्यू वेट नहीं हुआ, जबकि इसका मैंने आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही, बिस्तर में 100 ml में पूरा, सॉरी 50 ml में पूरा वेट हो चुका है, यहाँ 100 ml के बाद भी एकदम से टिश्यू ड्राई है, आप हाथ फेर के भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप विस्पर 4 यूज करते हो, वहां पे ये एक ही यूज होगा 20 hours, ये एक सैनिटरी पैड 20 घंटे चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये ग्रीन स्ट्रिप है वो पूरे 1 lakh बैक्टीरिया को किल करती है। बदबू क्यों आती है? वेट सरफेस पे, जब वेट सरफेस पे कहीं पे भी गीला हो वहां पे बदबू आनी ही आनी है, तो बैक्टीरिया आते ही आते हैं, जब बैक्टीरिया आते हैं तभी स्मेल आती है। तो हमारे यहाँ ये जो स्ट्रिप है वो 1 lakh बैक्टीरिया को किल करती है, जिसकी वजह से स्मेल नहीं आते। अभी हम काट के देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये अभी भी 100% ड्राई है। इसको भी काट के देखते हैं, अभी मैंने ये ग्लास में लिया है 50 ml वाटर और इसमें लिया है 100, आप देख सकते हो डबल है, इसमें डबल है, इसमें 100 है, इसमें 50 है। 100 वाला मैं रखूंगी हमारे स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन की तरफ, और 50 वाला रखूंगी मैं विस्पर की तरफ। पहले विस्पर ही खोलते हैं, ये विस्पर की जो लेयर है ये फिर से प्लास्टिक है, ये मतलब थर्ड प्लास्टिक लेयर है,
और ये इतनी रफ है, अगर आप छू के देखोगे, जिसकी वजह से रैशेज होते हैं, ईचिंग होती है। कुछ लोगों को तो इतने रैशेज और ईचिंग होते हैं कि पीरियड्स के दौरान खुजलाते खुजलाते उनका प्राइवेट एरिया ब्लीड भी करने लगता है। तो ये इतना डेंजरस मटेरियल है। अभी हम हमारा लेते हैं स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन। ये जो है फर्स्ट लेयर, ये एकदम सॉफ्ट है। ये सिल्क और कॉटन, ये सर्जिकल कॉटन और सिल्क है। सिल्क इसलिए दिया है ताकि स्मूथ रहे, रफनेस को खत्म करने के लिए, और ये एकदम 100% ड्राई है। और अभी फिर से विस्पर में उसकी सेकंड लेयर लूंगी। विस्पर में ये जो ब्लू स्ट्रिप लगाई है, टीवी में दिखाते हैं कि ये जो ब्लू स्ट्रिप है ये एक्टिव ऑक्सीजन है, कोई ब्लू स्ट्रिप नहीं है। हमें बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने फिर से केमिकल यूज किया हुआ है, कोई भी उसमें स्ट्रिप नहीं डाली हुई। और हमारे स्मार्ट सैनिटरी नेपकिन में ये ग्रीन स्ट्रिप है। ग्रीन स्ट्रिप मीन्स विच किल्स 1 लाख बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं एक्टिव ऑक्सीजन। ओके, एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव एयर स्ट्रिप, पैड के ऊपर भी लिखा रहता है एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव ऑक्सीजन, एक्टिव एयर। तो ये एक्टिव ऑक्सीजन मीन्स आपको सारा दिन फ्रेश रखते हैं। इसकी ज्यादा बेनिफिट मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। अभी नेक्स्ट लेयर लेते हैं विस्पर की। ये है नेक्स्ट लेयर, ये है डाइऑक्सिन। इसी की वजह से सारी बीमारियां आती हैं। ये किससे बनता है? कचरे से, जो मैं आपको फोटो में दिखा चुकी हूँ। तो इसको हम रोल करके डालते हैं। ये जो थोड़ा सा पानी था 50 ml, फिर से दिखाती हूँ, 100 ml मैंने इसके लिए रखा है, वो कम वाला पानी, इसमें मैं ये डाइऑक्सिन वाली स्ट्रिप डाल रही हूँ। हम देखते हैं कि ये पानी को ऑब्जर्व करता है या नहीं। नेक्स्ट लेयर है हमारी ये, एक्चुअली 2 लेयर है बैक टू बैक, तो इतना टाइम नहीं है अभी मैं आपको दिखा सकूं। तो ये भी क्या है? 100% सर्जिकल कॉटन। आप देख सकते हो आराम से कॉटन की तरह ही फट रहा है और एकदम सॉफ्ट है। और ये है हमारी जेल। ये जेल जो है इसमें है एलोवेरा, एलोवेरा जो इसमें है, एलोवेरा वही एलोवेरा इसमें है, और साथ में है इसमें बनाना स्टेम। तो एलोवेरा जो है वो आपको पता है, जो हमारा प्राइवेट एरिया ब्लैक हो जाता है विस्पर की वजह से, तो एलोवेरा से वो प्राइवेट एरिया को ब्लैक नहीं होने देता और हमारा प्राइवेट एरिया को रफ नहीं होने देता, स्मूथ रखता है। तो ये जो जेल है, दिस इज नेचुरल मॉइस्चराइजर। ये अच्छा है आपकी स्किन के लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को भी आप डाल सकते हो। और मैं ये जेल जब डेमो की होती है तो मैं इससे नहा लेती हूँ। और इसको आप पिंपल्स वाली स्किन पे, पिगमेंटेशन वाली स्किन पे, तो हाथों पे ऐसे मल के डेमो दिखा सकते हो, पिंपल्स के लिए और ब्लैक सर्कल के लिए, जिनको डार्क सर्कल जाते हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये। तो वो इसको यूज, 5-स्टार होटल में, ब्यूटी पार्लर्स में इसी को बॉडी पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप फर्क देख सकते हो, ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा ग्लो करने लगा है, डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये जेल को हम लेंगे, ये जो 100 ml पानी था उसमें ये जेल को डालते हैं। बॉडी पॉलिशिंग के लिए 5,000 rupees लेते हैं और इसी जेल से बॉडी पॉलिश करते हैं। और नेक्स्ट लेयर जो है, अगेन दिस इज कॉटन, 100% सर्जिकल कॉटन। और ये देखो, और इसकी जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज ड्राई, एकदम सूखी है ये। और ये फिर से क्या है? सर्जिकल कॉटन। तो कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है इसमें, जीरो प्लास्टिक है। और विस्तर की जो लास्ट लेयर है
वो फिर से प्लास्टिक है। तो मतलब एक विस्पर के पैड में चार प्लास्टिक लेयर्स है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक प्लांट को घर के अंदर रख दिया जाए, एक अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में, यहाँ उसको ना तो हवा मिले ना धूप मिले, तो क्या होगा? पानी आप देते रहो रोज, वो प्लांट गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर 5 दिन आप अपनी वजाइना को, यूट्रस को, ओवरीज को 4 प्लास्टिक लेयर से कवर करते हो ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए, बिल्कुल भी ऑक्सीजन अंदर ना जाए, तो क्या होगा? कैंसर होगा। और क्या होगा? और इसकी जो लास्ट लेयर है, अगेन दिस इज बायोडिग्रेडेबल, इजिली यू कैन रिसाइकल, आराम से रिसाइकल कर सकते हो इसको। अभी इसमें 200 ml पानी है, 100 ml ग्लास में था, और 50-50 की 2 स्प्रिंजेस मैंने उसके ऊपर डाली थी पैड के ऊपर, और इसमें 50 ml था। इसका पानी अभी भी वैसे का वैसा ही है, और देखो ड्रिप हो रहा है, टपक रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके पानी को भी, ये जो 50 ml पानी है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये कितना हो गया, 250 ml हो गया। अभी 250 ml पानी, मतलब एक पैड आपका जो कि 20 घंटे चलता है, तो मैंने क्या बोला कि एक दिन में जो पीरियड्स का फ्लो रहता है वो 30-90 ml रहता है, 250 नहीं रहता। ये 250 ml पानी है इसमें। तो अभी इसको देखो, इसमें से एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही, और ये पूरा जेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब 100% कितना भी ब्लीडिंग हो उसको लॉक कर लेगा। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, तो 0 लीकेज। यहाँ पे आप विस्पर 3 या 4 यूज करते हो, वहां पे आपको एक ही काफी है, हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन, तो बार बार आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं। अभी इसके साथ मैंने बोला आपको एक फ्री गिफ्ट आता है, फ्री गिफ्ट जो है वो सेल्फ वजाइनल टेस्ट किट, जो आप घर में ही कर सकते हो। कैसे? ये एक पैकेट होगा इसके अंदर, चाहे वो पैंटी लाइनर हो, कुछ भी हो, उसमें भी जरूर निकलेगा। उसमें 3 चीजें निकलेंगी, ये ईयरबड है। ईयरबड को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वजाइना, तो इसको ईयरबड को वजाइना के सरफेस में ऐसे आपने थोड़ा सा रब करना है, और इसमें जो फ्लूइड लगेगा, निकलेगा, वो फ्लूइड को यहाँ येलो पार्ट पे लगाना है, और उसके बाद आपने चेक करना है, अगर तो आपका येलो है दैट मीन यू आर हेल्दी, आपको कुछ नहीं हुआ। अगर वो थोड़ा लाइट ग्रीन है तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा माइल्ड इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप थोड़े सप्लीमेंट लेके और पैंटी लाइनर लगा के अपने आप को ठीक कर सकते हो। अगर डार्क ग्रीन है तो वो इंडिकेट करता है कि आप घर पे मत बैठो, डोंट सिट एट होम, इमीडिएटली यू हैव टू रश टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, समथिंग इज वेरी सीरियस। तो यही टेस्ट के लिए अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको 2,000 रुपया और आपका टाइम, आपका फ्यूल, सब कुछ वेस्ट होगा। यहाँ पे आप फ्री में घर पे बैठे बैठे इसको टेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये हर पैकेट में आता है, तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप यूज कर लो। नेक्स्ट, पैंटी लाइनर के बारे में बात करते हैं। ये हमारा पैंटी लाइनर है, ये यूनिसेक्स है, इसको मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं मैं अभी बताती हूँ। इसमें 30 पीसेज रहते हैं। पैंटी लाइनर कुछ इस तरह का होता है, ये टिश्यू की तरह पतला सा है, एकदम थिन है। ये वाली ग्रीन स्ट्रिप इसके अंदर भी है, जो 1 लाख बैक्टीरिया को किल करती है, सेम इसमें भी है। तो इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसको यूटीआई की प्रॉब्लम है, चाहे आदमियों को है चाहे औरतों को, किसी को भी
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो यूज कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। लड़कियों को, खासकर स्कूल की लड़कियों को, जो व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइट या येलो डिस्चार्ज होता है, उसमें वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में, मतलब 10-12 दिनों में, 15 दिनों में उनको डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। और जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है, मेल हो या फीमेल, ब्लीडिंग पाइल्स या नॉर्मल पाइल, तो वहां पे इसको लगाएंगे, रखेंगे अपनी अंडरवेयर और पैंटी के अंदर, तो उनको पाइल्स में राहत मिलेगी। ऑफ कोर्स पाइल्स के लिए सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे। और जिन लोगों को पसीने की बहुत बदबू आती है, समर है आजकल, समर में स्वेट स्मेल बहुत आती है, कुछ लोगों को नहाने के बाद भी स्वेट स्मेल आती रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको अपनी अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है, एक्टिव ऑक्सिन एक्टिव यान, जो 1,00,000 वायरस को खत्म करती है, तो ये जो पसीने का, स्वेटिंग का जो बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देगी, जिसकी वजह से बदबू नहीं आएगी। कुछ लोगों के शूज में तो सबके आती है, चाहे स्कूल के बच्चे हो चाहे जो भी बंद शूज पहनते हैं, बंद शूज में पसीना आता है, पसीने की वजह से वायरस होता है, वायरस की वजह से फिर से बदबू आती है। तो अगर आप इसको जूतों के अंदर रख लो या पूरा नहीं रखना चाहते तो इसको फाड़ के निकाल के सिर्फ ये स्ट्रिप को अपने जूतों के अंदर रख लो, तो आप देखोगे कि आपके पैरों में, आपके जूतों में, आपके सॉक्स में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है वो 1,00,000 बैक्टीरिया को किल करती है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। पीरियड्स में जो पेन रहता है तो इसको वेट करके अपनी नाभि में, अपनी नेवल में रख लो, तो उससे पीरियड्स का पेन खत्म हो जाएगा। अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है, फीवर है, फीवर में इसको भिगो के माथे पे रख लो, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव यान है ये आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। अगर आपको थ्रोट पेन है, इसको भिगो के अपने थ्रोट पेन में यहाँ दोनों साइड रख लो, एक यहाँ, दो रख लो, तो आपको थ्रोट पेन में काफी हेल्प मिलेगी। थायराइड पेशेंट इसको वेट करके अपने थायराइड वाले एरिया पे रख सकते हैं। और जिनको नी पेन है, शोल्डर पेन है, वेट करके वहां रख लो। एल्बो, टेनिस एल्बो है, या रिस्ट पेन है, या घुटने में दर्द है, तो घुटने के ऊपर गीला करके, पेन के लिए आपको इसको वेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी स्वेटिंग होती है, जैसे अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को ब्रा के नीचे इचिंग होती है, तो ये ब्रा के नीचे भी रख सकते हैं। पैरों के अंदर स्वेटिंग होती है तो वहां पे ड्राई रखना है, अंडरवियर और पैंटी के अंदर ड्राई रखना है। दर्द के लिए अगर यूज करना है, बुखार के लिए यूज करना है, तो आपको इसको भिगो के रखना है, वेट करके रखना है। तो डार्क सर्कल के लिए भी आप इसको, या पिंपल्स के लिए भी इसको वेट करके रख सकते हैं, या ये वाली स्ट्रिप आप डार्क सर्कल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स है इसके। और जो लोग पैरों में, जिनके जलन होती है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत हीट निकलती है पैरों के नीचे से, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको भिगो के दोनों पैरों के नीचे रख सकते हैं, तो उनकी बॉडी की हीट भी कम हो जाएगी, जो पैरों में जलन है या पैरों में दर्द है वो भी कम हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं या खड़े रहते हैं, जैसे लेक्चरर है, प्रोफेसर है, या जिनका सेल्समैन का काम है, बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों शूज के अंदर इसको, दो पीसेस को रख सकते हैं, तो सारा दिन उनको थकावट, क्योंकि एक्टिव ऑक्सीजन एक्टिव यान बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे उनको थकावट महसूस नहीं होगी, सारा दिन वो लोग फ्रेश रहेंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि ये इसकी जो एक्टिव ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाके आपको सारा दिन एक्टिव रहे। ये पैंटी में तो रोज यूज करना चाहिए, क्योंकि लेडीज टॉयलेट जहाँ पे भी आप यूज करते हैं, वहां आपकी वजाइना का और पॉट का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इन्फेक्शन होने, यूटीआई होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपने ये यूज किया है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म करती है। और जिनके मुंह में बदबू आती है या जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैंने वैसे भी बताया था पहले भी, वो जो स्मेल आती है वो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको चबा सकते हैं। तो इसको आप चबा भी सकते हैं, जैसे चिंगम खाते हैं उस तरह से आप इसको चबा सकते हैं। ये वाली स्टिक को अगर आप अपने पीने वाले पानी में डाल दो, क्लीन वाली स्टिक को, तो आपका पानी एनर्जेटिक बन जाएगा, तो वो पानी आप पी सकते हो, सारा दिन पी सकते हो, तो आपको सारा दिन एनर्जेटिक रहोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। इस तरह से अगर आप इसको चबाते रहोगे सारा दिन, तो
एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, आपको वीकनेस नहीं फील होगी। तो अगर आप खाना ना भी खा रहे हो तो आपको भूख भी महसूस नहीं होगी। और इसको चबाने से जो उनके मुंह से बदबू आती है वो बदबू के बैक्टीरिया को, मैंने बोला 1 लाख बैक्टीरिया को खत्म करती है ये स्ट्रिप। तो वो जितने भी बैक्टीरिया है जिनकी वजह से बदबू आती है तो उनको किल कर देंगे। और दूसरा बताना नहीं चाहती फिर भी बता देती हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव हर जगह है। अगर उनको घर जाना है मतलब पेंटी लाइनर अगर उनके डैशबोर्ड में है तो इसको फाड़ के ये वाली स्ट्रिप निकाल के उसको चबा लें। 5 मिनट उसको चबाते रहे तो मुंह में जितनी भी विस्की की स्मेल है, दारू की स्मेल है, वो सारी खत्म हो जाएगी। उसके स्मेल के बैक्टीरिया को ये खत्म कर देगी। तो अगर आप ब्लो भी करते हो तो उससे 0 अल्कोहल दिखाएगा। तो आप 10,000 रुपया फाइन देने से बच सकते हैं या आपका लाइसेंस कैंसिल होने से बचा सकते हैं आपको। बट ये करना मत, कानून के खिलाफ है। तो ये था मेरा आज का सेशन। तो अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। या श्योर। तो यहाँ पे बहुत बहुत शानदार वंडरफुल सेशन दिया आपने। आई होप पैनल में जितने भी लोग हैं, मुझे पता है लोग बहुत एक्साइटेड है और आज उन्हें बहुत मजा आया होगा आपका सेशन देखे। थैंक यू सो मच फरीदा जी, थैंक यू सो मच। एक मिनट एक रह गया, ये जो मैंने हमने डाला था विनेगर, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने रेड मार्क लगाया था, ये हमारा टेयांस का है और यहाँ येलो वाला टेयांस का है। ये जो ऑरेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, ये कोलगेट है। आप अगर ध्यान से देखोगे जो कोलगेट का है वो किस तरह से रिएक्शन हो गया है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका रिएक्शन, और ये हमारा टेयांस का एज इट इज है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल साइडों में आ गए हैं, दिखाई दे रहा है? Yes. वाला देखो विनेगर में डाल के वैसे का वैसे ही है, और इसका रिएक्शन देखो ये साइडों से कैसे हो गया है। तो इससे पता चलता है कि कोलगेट मार्केट में जितने भी है अवेलेबल, बढ़िया से बढ़िया भी, सबसे आप ऐसे एक्सपेरिमेंट सबके साथ करके देखिए। अगर ये विनेगर का नहीं कर सकते, ये हल्दी वाला तो करके देखिए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फरीदा जी एक बार आप इसको हल्दी वाले को भी हम दिखा सकते हैं कि कोलगेट वाला सूख गया है और जो हमारा ओरेकेयर पेस्ट वाला था उसमें अभी भी उतना ही मॉइस्चर है। यस यस या तो बहुत शानदार बहुत वंडरफुल सेशन रहा आज का और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पे जितने भी लोग पैनल में उनके जो भी क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेस करिए कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे। तो आज जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे फरीदा जी ने हमें बताए हैं उनसे रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस है तो जल्दी जल्दी से अपने हैंड रेस करिए। लेकिन उससे पहले साक्षी प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए बिकॉज मुझे हैंड रेस शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक को अनम्यूट करूंगी। जल्दी से अपने हैंड रेस करिए। और थैंक यू सो मच फरीदा जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। लेकिन यहाँ पे मैं हैंड रेस लेने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ अनम्यूट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वासुदेव बगोर, 1 स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव बगोर जी। नीता जी थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फरीदा जी, थैंक यू सो मच। एंड लिटरली आज आपका बहुत बड़ा थैंक यू बिकॉज आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमको ये ट्रेनिंग दी है। और आपकी ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये जिन लोगों ने अटेंड की है वो लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे को तो पहले से पता है, मैं आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ एंड जबरदस्त ट्रेनिंग रही। सो बिग थैंक्स टू यू, बिग थैंक्स टू यू फरीदा जी। और हमको आपकी जो है ना सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। सो प्लीज थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी ग्लैड टू सी दिस। और आपके जो सेशन है ये और जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किए लिटरली ये तो बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल है। जितने भी लोग आए हैं इस पैनल में उन सब के लिए बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि ये चीजें हैं जो डेली घर पे यूज होती है। तो मैं लोगों को वही बोलती हूँ कि इनको ज्यादा प्रमोट करो। yes, yes, कि लाले की दुकान से खरीद के आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप यहाँ से खरीदोगे कंपनी से आप अमीर बन सकते हो, फॉरेन ट्रिप ले सकते हो, एक अच्छी रेगुलर इनकम आप क्रिएट कर सकते हो।
यस सो रियली इट्स वंडरफुल, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। और लेकिन हमारे साथ में लिमिटेशंस ये रही कि हमारे पास केवल जो पैनल है वो 100 पीपल का है, तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आए, बहुत सारे लोग एंटर नहीं कर चुके इसमें, सो आगे से हम इस चीज को इसकी ऑफर बता दो लोगों को। हाँ जी श्योर। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे फरीदा जी सर, या आप बता रहे जी? नहीं, yes, मैंने वासुदेव सर को बोल रही थी इसकी ऑफर बता दो। हाँ वो मैं बता देता हूँ मैम। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है जो फरीदा मैम ने अभी बताया है, फ्रिज प्योरीफायर, मल्टी फंक्शनल फ्रिज प्योरीफायर, इसका एक फंक्शन नहीं है, इसके पूरे घर में और हमारी पूरी बॉडी पे, कार में, सब जगह पे जो फंक्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये प्रोडक्ट आपको अभी ऑफर में मिल रहा है 1999, यानी 1999 रुपए में आपको मिल सकता है। अगर आप अपने डायरेक्ट में कोई एक गोल्ड आईडी की सेल लगाते हैं, तो 400 बीबी की न्यू सेल लगाते हैं, तो ये ऑफर आपको 2000 रुपीज में मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट वैसे लगभग 13,000 यानी 13,000 रुपए का प्रोडक्ट है, जो आपको केवल 2,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में आज कल में ही ये बंद होने वाला है। इसके साथ में भी बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास ब्रांच से मैसेज आ चुका है, ये हो सकता है आज ही इसका ऑफर क्लोज हो जाए या कल हो जाए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड नंबर्स, लिमिटेड पीसेस बचे हैं ब्रांचेज में, और जैसे ये नंबर खत्म होंगे, इनके पीसेस खत्म होंगे ऑफर के, वैसे ही ये ऑफर का मैसेज आ जाएगा, प्लीज क्लोज इट। तो आपको अगर चाहिए तो अभी राइट नाउ इसका ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपने फ्रंट में आप 400 बीबी की सेल्स जनरेट कीजिए, और इस प्रोडक्ट को जो आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपके कार में, आपके फ्रिज में, आपके कवर्ड में, सब जगह जो काम आने वाला है, ये ओजोन प्रोड्यूस करता है, और जो फरीदा मैम ने अभी बताया हम सबको, हमारे लिए कितना एसेंशियल है, तो आप इसको ले लीजिए, और ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, जो लगभग 14,000 का, 12,000 का प्रोडक्ट आपको 2,000 में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फरीदा जी, आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया आज, और इसके लिए मैं पूरे पैनल पे जितने भी लोग हैं उनके विहाप पे मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ। सो वेरी नाइस एंड ओवर टू नीता जी। सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस थैंक यू सो मच सर कि आपने पैनल में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बताया लोगों को, वापस से रिवाइंड करवा दिया इस ऑफर के बारे में, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यस मैम, हम यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगी गैलेक्सी A50, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। गैलेक्सी A50 प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिएगा। गैलेक्सी A50 आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नहीं सुन पा रहे तो हम नेक्स्ट लेते हैं। विशाल भारद्वाज जी 6 स्टार अंबाला से, विशाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फरीदा खान, डॉक्टर गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन देख के, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, मेरे कजन को थोड़े फेस पे पिंपल्स हो गए थे, उनके फेस पे पूरे पे, तो उसके लिए मैंने उनको जो बताया भी, आप ऑयल और पेस्ट मिला के ले या पिंपल्स में लगाएं, ये यूज कीजिए। अगर आपको 2000 में ये मिल रहा है, ऑफर में ये मिल रहा है आपको, तो फेस को गीला करके या पानी से पहले धो ले, और साथ में गीला टिश्यू या गीला कॉटन जरूर रखे, क्योंकि उसको हवा से जल्दी सूख जाता है, उसको बार बार गीला करना है, और इसको चेहरे पे लगाएं पिंपल्स के ऊपर, और साथ में जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट और चीटोसन मिला के लगा सकते हैं। और खाने के लिए भी चाहिए, ओपीसी चाहिए खाने के लिए, और जिंक, ओपीसी, जिंक और टी पोली खाने के लिए भी, क्योंकि अंदर से बाहर से, अंदर से क्लेंजिंग करना भी बहुत जरूरी है, और ये साथ में खाने के लिए, क्योंकि खून का साफ होना बहुत जरूरी है, अगर अंदर से सफाई होगी तभी बाहर से भी सफाई होगी। जी मैम, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो उन्होंने लगाया तो उनके स्किन के ऊपर मतलब ब्लैक स्किन होगी उसका लगाने से ना, वो क्या वो ड्राई हुआ, वो निकल जाएगा, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा,
उसके ऊपर जहाँ ब्लैक हो गया तो रात को ये लगा के सो जाए, सुबह को वो ऐसे जैसे स्किन फील करते हैं ना किसी चीज का बैंडेज की तरह, तो वो निकल जाएगा कालापन। अच्छा जी, मतलब कोई रहेगा नहीं, तो रात को ये लगा लें उसके ऊपर जहाँ भी ड्राई स्किन हुई है ना, काला काला हुआ, उसको ये लगाए 2-3 दिन तो वो निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट में अनम्यूट करना चाहूंगी मालती गुप्ता जी दिल्ली से। मालती गुप्ता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, 30 साल एज है और मतलब कमर तो बिल्कुल फिगर ठीक है, लेकिन नीचे थाइज है ना हिप काफी हैवी हो गई है और वजन भी काफी हो गया है 75 के आसपास। तो उसके लिए BCM यूज कीजिए, BCM के ऊपर बैठना है, तो बैठने से क्या होगा आपके जो हिप्स है वो कम हो जाएंगे। सुबह शाम 2 टाइम बैठना है और खाने के लिए परहेज रखिए, खाने के लिए जो रोटी चावल खाते हैं वो कम खाइए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए। मैम सप्लीमेंट में वेट लॉस के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट है, चीटोसन वेट लॉस पे काम करता है, टी पोली वेट लॉस पे काम करता है, ओमेगा वेट लॉस पे काम करता है। फाइबर आने वाला है तो फाइबर ले सकते हो, जल्दी फाइबर भी आ जाएगा। तो ये शुरू कीजिए, टी पोली शुरू कीजिए, ओमेगा लीजिए, चीटोसन लीजिए वेट लॉस के लिए। मैम एक क्वेश्चन और है, मेरी 9 साल की बेटी है, उसकी स्किन जो है ना कान के पास पहले पीछे साइड मतलब खुजली होता, खारिश वैसा था, होते होते वो एक घाव बन गया, फिर उसकी दवाई से वो ठीक हो गया, फिर बाद में ये कान दोनों कान के साइड में फिर से उभर के आ गया है, मतलब धीरे धीरे पूरा सिर में पड़ रहा है। मैम मैं तेल लगाती हूँ हमेशा, यही तेल में हमेशा यही अगर ये है घाव बहुत जल्दी भरते हैं, बहुत जल्दी हील होते हैं, अगर ये है तो उसके खारिश के ऊपर पहले खारिश होती है, उसके बाद तब वो घाव बन जाता है बाद में। तभी मैं बोल रही हूँ अगर ये है आपके पास, अभी ऑफर में ले सकते हो, खाली 2000 में मिलेगा। ये है तो इससे आप जहाँ पे खारिश होती है इससे आप इसकी दवा दीजिए, फिर देखिए उसकी खारिश भी बंद हो जाएगी, जख्म भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी अश्विन दादी जी फ्रॉम मुंबई। हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही है मैम। वेरी गुड मैम, सबसे पहले फरीदा मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और एज यूजुअल मैम आपका जो सेशन रहता है मैंने हमेशा आपका ही सेशन सुना है, और ये जो नैपकिन के डेमो मेरे पास में आपके वीडियोस है मैं वही शेयर करता हूँ, ना कि अपना कोई वीडियो, बट आपके वीडियोस से मुझे बहुत अच्छा मेरा बिजनेस प्रमोट भी होता है। और मैम आपके जितने भी सेशन जो होते हैं मार्वलस, जैसे आज हुआ है, और मैं सबसे पहले वासुदेव सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आज स्पेशल आप ये जो सेशन रखा गया उसके लिए, एंड वी वर वेटिंग फॉर यू मैम। एक्चुअली मैम मेरा एक जो क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारा शैम्पू है एवोकाडो अर्गन ऑयल वाला, तो वो अपने ड्राई बालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है एज पर योर सजेशन, लेकिन मैंने हाँ, बट मैम मैं एक्चुअली क्या है, लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि जिनके बाल अगर ऑयली हैं, क्योंकि जनरली लेडीज क्या करती हैं कि शैम्पू से पहले ऑयल अप्लाई करती हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप अपने बालों को सेग्रीगेट कीजिए कि ऑयली हैं या ड्राई हैं। अगर जिनके बाल ऑयली हैं तो उनको ऑयल पहले लगाना है, बाद में शैम्पू अप्लाई करना है हमारा एवोकाडो वाला, और अगर जिनके बाल ड्राई हैं तो उनको पहले शैम्पू यूज करने के बाद में अगर वो हल्का सा ऑयल लगाएंगे तो मेरे हिसाब से मैम ये मतलब मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया है, तो ये सही है या गलत है, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं उसके? नहीं मतलब अगर ड्राई है तो और ड्राई हो जाते हैं, जैसे मेरे बाल देखा जाए तो मैंने अगर यूज करूंगी मेरे थोड़े रफ है और ड्राई है, जो ऑयली हेयर है वहां ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तेल बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, बिना तेल के भी वो शैम्पू कर सकते हैं तो अच्छे हो जाएंगे। जैसे ड्राई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, मेरे जो है थोड़े रफ है ड्राई है, तो मैं अगर लगाती हूँ तो और रफ और ड्राई हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं। नहीं मैम एक्चुअली मैंने उनको यही बोला कि मतलब रिजल्ट्स मेरे पास में यही है कि सर आपका शैम्पू यूज करने से ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने उनको फिर अपना नीम आमला ऑयल सजेस्ट किया, तो वो उससे उनको रिजल्ट आ रहे हैं, बेटर तो रिजल्ट उनको मिले। हाँ हाँ हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, आगे फर्दर लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं बट मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ नहीं ठीक रहा इसलिए मैंने बोला, मेरी बेटी के ऑयली हेयर है तो उसको सूट कर रहा है, वो खुश है। राइट मैम, राइट मैम, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पहले ही ड्राई है।
राइट मैम, राइट ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अश्विन जी। और यहाँ पे हम नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी मंजू जैन जी, सेवन स्टार फ्रॉम जयपुर। मंजू जैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो ही नहीं रहा है मैम। हो गया, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बताया, हेलो, हाँ जी, हाँ जी पूछिए। आपने ये बताया डार्क सर्किल वगैरह चले जाते हैं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। मेरे एक आंख का तो ऑपरेशन हो गया, एक आंख में थोड़ा मोतिया पिंक का वो धुंधलापन है, तो हाँ। ये पेंसिल लाइनर वाली चिप अगर इस पे लगा के देखूं तो? लगा के देख सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपको ओमेगा और जिंक भी लेना है। जिम्नेमा तो मैम लेती हूँ, और सर आपने ही बताया था कि इंसुलिन बंद करने के लिए 3 टाइम ले लो, तो 2 महीने से 3 टाइम ले रही हूँ, तो कितने महीने तक 3 टाइम लेऊं मैं? देखो मैं जिनको भी बोलती हूँ 3 से 6 महीने, 6 महीने तक आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपकी शुगर कितनी आ रही है? अभी तो नापी नहीं है, वैसे सही है, बराबर है। 3 टाइम ले रही हूँ, इंसुलिन बंद हो गए मेरे। तो लेते रहिए, जब तक आपकी इंसुलिन खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लेते रहिए। इंसुलिन तो बंद हो गए मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बोला था ना बंद हो जाएगी इंसुलिन। हाँ, नहीं तो 2 टाइम तो पहले भी लेती थी, आपके कहने से मैंने 3 टाइम लेना शुरू किया, इंसुलिन तो बंद हो गए मेरे। पर 3 टाइम आप कितने टाइम तक ले? 2 टाइम तो मैं लेती हूँ, फिक्स है मेरा। मुझे शुगर नहीं ना पता, पहले आप शुगर अपनी बताइए, ब्लड शुगर चेक करके बताइए कितनी है, तभी मैं बताऊंगी ना आपको आगे क्या करना। ओके ओके। और मैम आंख वाला वो करके देख सकते हैं उस चिप से? करके देख सकते हैं, उसके साथ जिंक और ओमेगा लेना है। जिंक और ओमेगा, अच्छा। तो एक आंख पे है मैम, उसका ही मैं का करके देखती हूँ, अगर उससे ही ठीक हो जाए मोतियाबिंद का जी। ओके, ट्रायल होगा मैम ये तो, वैसे वैसे नुकसान तो नहीं होगा ना कुछ भी? नहीं, नुकसान नहीं होगा कुछ भी, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। यस यस, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय गुरुदेव। और यहाँ पे पैनल में कहना चाहूंगी कि मंजू जी हमारी बहुत अच्छी लीडर है और 7 स्टार है, और आप देख सकते हैं टियांस के प्रोडक्ट के रिजल्ट कि उन्हें उनके इंसुलिन बंद हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नए लोग हैं वो देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट देते हैं प्रोडक्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट में अनम्यूट करना चाहूंगी रंजना अगौर जी। रंजना अगौर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब कैसे अनम्यूट का? रंजना अगौर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एक्चुअली मुझे नीचे साइडों में इचिंग रहती है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो मैम मुझे क्या क्या लेना चाहिए? और मुझे थायराइड भी है। थायराइड के लिए आपको जिंक जरूरी है, जिंक लीजिए, ओपीसी लीजिए, ओमेगा लीजिए, ये 3 सप्लीमेंट थायराइड के लिए लीजिए। और मल्टीफंक्शनल हेडगियर से मसाज करनी है, जब मैं नेक्स्ट कोई दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन तो उसमें कैसे मसाज करनी है वो मैं बताऊंगी। और जो आपके ड्राइनेस रहती है तो आप कौन से पैड यूज करते हो? मैम सेनन वो एरीज। ओके, और साथ में आप जहाँ पे ड्राइनेस होती है यहाँ वहाँ पे ये ऑयल रात को स्पेशली सोने के टाइम और सुबह नहाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जन्म से ड्राई स्किन है बहुत ज्यादा, तो साइडों में इचिंग हो ही जाती है। आप ये यूज कर रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ तो इसको यूज कीजिए, एटलीस्ट 6 महीने यूज कीजिए तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। जी मैम। और मैम मेरे सारे हेयर व्हाइट हैं, तो मैम मुझे कौन सा कलर यूज करना चाहिए? ऑयल तो मैं यही यूज कर रही हूँ। कलर आपको जो भी अच्छा लगता है कलर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी मोहिना जी। उससे पहले मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि बेटर है आज हमारा जिसका सेशन था आप उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि फरीदा जी हमारे सेशन में आते रहेंगे, है ना, तो जो जिसका सेशन हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हीं प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं को हमने आज देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है,
तो बेटर है आज प्लीज इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे। तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी मोहिना जी, 7 स्टार फ्रॉम मुंबई, अपकमिंग 7 स्टार। यस मैम, थैंक यू नीता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, डॉक्टर I've attended innumerable sessions of yours right from beginning. आप जानते भी, आप कई बार बात भी हुई है, and you've been like my teacher, my trainer, because आप जब बात करते थे, मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे भी ऐसे बात करनी है, मुझे भी ऐसे बात करनी है, और आपके sessions देख देख के I feel that yes, I've got that strength to talk like a leader. So you've been teaching me silently, not even knowing. So thank you for all that, ma'am. और ma'am अभी जो मेरे को actually toothpaste के बारे में पूछना था, but before that ma'am, जैसे अश्विन जी ने आपके साथ एक चीज शेयर की, जो ड्राई हेयर होते हैं हमारे शैम्पू से, जैसे आपके वैसे मेरे भी बहुत ड्राई और रफ होते थे, but I continued using the shampoo still because it's organic, chemical नहीं है, तो हमारा oil और शैम्पू से मेरा हेयर फॉल बहुत रुक गया, that thickness came back again. तो वो thickness ले आया, हेयर फॉल पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, लेकिन रफनेस थी. तो हमारी जयपुर टीम से ना मैम, एक रजनी मैम और गुरप्रीत मैम है, उन्होंने बताया था कि ऑयल के अंदर 4 कैप्सूल स्पिरुलिना, 4 कैप्सूल जिंक और 4 कैप्सूल ओपीसी का डाल के ऑयल लगाएं, तो उसके बाद है ना वो सॉफ्टनेस सिल्कीनेस आ जाएगी. सो मैम इट एक्चुअली वर्क्ड बिकॉज क्वालिटी अच्छी थी. ये तो मेरी प्रोटोकॉल है, मेरे प्रोटोकॉल मैंने ही बताया हुआ है. ओके ओके मैम, सो मैम आप जैसे सबकी टीचर है उनकी भी है. सो मैम इससे ना मैम वो ड्राइनेस नहीं आ रही है शैम्पू यूज करने के बाद भी. सो इफ वी यूज दैट इन द ऑयल एंड देन यूज द शैम्पू, सो दैट हैज एक्चुअली वर्क्ड बिकॉज रफ तो होते थे, क्वालिटी इंप्रूव थी. सो विद द ऑयल में ये डाल के दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. एंड मैम दूसरा माय डाउट वाज कि जो हम लोग टूथपेस्ट के बारे में बताते हैं, सो कोलगेट एंड ये सब मार्केट टूथपेस्ट डोंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ आवर्स, बट एक है ना मार्केट में बहुत सारे लोग सेंसोडाइन यूज करते हैं, और उसमें एक जगह पर वो कोलगेट को जैसे हम लोग टर्मरिक लगाते हैं वैसे उसको भी लगाया, लेकिन इट डिड नॉट टर्न येलो. तो फिर हमने वो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो हाथ में है वो करके दिखाया, बट स्टिल यू नो हाउ टू हैंडल दैट क्वेरी जहाँ पे सेंसोडाइन से कंपैरिजन हो जाता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. उसके साथ पेप्सोडेंट आप बोल रहे हैं ना, पेप्सोडेंट के साथ मैंने कभी किया नहीं, बट मैंने इन दो के साथ किया. सेंसोडाइन मैम, सेंसोडाइन के साथ मैंने इन दो के साथ किया है, तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं. राइट मैम, तो सेम ऑरेंज हो रहा है, येलो नहीं रह रहा है, क्योंकि ये हिमालय का है. तो मैंने इसके साथ भी किया, ज्यादातर लोग कोलगेट ही यूज करते हैं, तो मैंने इसके साथ भी करके देखा, हिमालय के साथ और कोलगेट टोटल के साथ भी मैंने करके देखा. ओके मैम, तो बाकी और किसी के साथ मैंने अभी करके नहीं देखा. एक और आता है वो मिसवाक, मिसवाक मिसवाक के साथ भी मैंने करके देखा है, उसका भी सेम, वो बोलते हैं 100% हर्बल है, बट उसके साथ भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं. ओके ओके मैम, फाइन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और यहाँ पे प्लीज बहुत सारे लोग पैनल में, और मैं चाहती हूँ आज सबके क्वेश्चंस हो, क्योंकि फरीदा जी पहली बार हमारे पैनल में आए हैं, आज मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज एक ही क्वेश्चन पूछिए, और प्लीज क्वेश्चन ही पूछिए क्योंकि शेयरिंग तो हम डेली करवाते हैं. राइट मैम, मैं सही बोल रही हूँ? यस यस यस, है ना. तो रेखा यादव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. रेखा यादव जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग रेखा यादव जी. मैम जबरदस्त सेशन, और हर वक्त मैं वेट करती रहती हूँ कब आपका सेशन अटेंड करने का टाइम मिले, मौका मिले, क्योंकि आप बहुत कम आते हो इस पैनल पे मैम. और मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में कि जिनका TLC अगर 21,000 तक है मैम, उस कंडीशन में पेशेंट को क्या रिकमेंड करें? आज जो भी है पर्सनल केयर के बारे में ही पूछो. यस रेखा जी, प्लीज आप पर्सनल करके जो आज फरीदा जी ने प्रोडक्ट के डेमोंस्ट्रेशन करे हैं, अगर आपका उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर. जी मैम, थायराइड के लिए आएंगे हम लोग, थायराइड का भी सेशन होगा, मल्टीफंक्शनल हेड केयर का भी सेशन होगा, तो जो सेशन जिस चीज का रहेगा ये बोल रहे हैं कि उसके रिलेटेड पूछो तो ज्यादा अच्छा है. जी मैम, तो जिनको सोराइसिस, हाँ यस मैम, जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आप बता रहे थे कि उसके अंदर ऑयल के अंदर कैप्सूल वगैरह डाल के हम अप्लाई कर सकते हैं,
वो मैक्सिमम में कितना टाइम करना है? चीटोसन के कैप्सूल डालिए इसके अंदर, चीटोसन के कैप्सूल डाल के अप्लाई कीजिए सुबह शाम दो टाइम कीजिए नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। अगर जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर खून ज्यादा निकल रहा है तो चीटोसन के कैप्सूल खोल के आप जख्म के ऊपर डायरेक्ट लगा के और उसके ऊपर ये पेंटी लाइनर हमारा गीला करके ऐसे बैंडेज कर सकते हैं। हाँ जी मैम, और सप्लीमेंट में क्या दे सकते हो? स्किन के सप्लीमेंट के लिए आपको ओमेगा देना है, ओपीसी देना है और साथ में हमारा कॉर्डिसेप्स देना है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पैनल में जितने लोग हैं मैं बोलना चाहूंगी, ये बहुत अच्छी टिप्स है तो प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए। कई बार हम इन टिप्स को भूल जाते हैं बट अगर हमारी डायरी में नोट डाउन है तो डेफिनेटली हम कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी गुरप्रीत जी को। गुरप्रीत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरप्रीत जी आप मुझे सुन पा रहे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही पूनम जी। नहीं आ रही आपकी वॉइस, आप लीव करके फिर से कनेक्ट कीजिए पूनम जी, हम आपका क्वेश्चन तब ले लेंगे। पूनम जी मैं आपको होल्ड पे रखती हूँ, आप लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी सविता चौहान जी। सविता चौहान जी, हाय, गुड मॉर्निंग फरीदा मैम, गुड मॉर्निंग नीता मैम, गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा पांच महीने का बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ बट क्या है ना उसके फेस पे व्हाइट व्हाइट पैचेस है, उनको सीप भी बोलते हैं, इफ आई गेस यू नो सीप करके बोलते, छोटे छोटे व्हाइट पैचेस। तो मैम क्या, 5 महीने का बच्चा है, 5 महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, बहुत छोटा है, आप क्या कर सकते हो इसको, इसका ये स्ट्रिप ग्रीन वाला स्ट्रिप निकाल के उसको भिगो के, क्योंकि इतना बड़ा तो चेहरे पे रख नहीं सकते, तो इसकी स्ट्रिप निकाल के ये ग्रीन वाली, तो इसको आप वेट करके उसके चेहरे पे जहां जहां पे दाग है वहां पे लगा सकते हो। और दूसरा आप उसके ये ऑयल लगा सकते हो, और बच्चे को कुछ मत दो क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, खाली दो चीजें ही लगा सकते हो। क्योंकि मैम वो दूध पीता है तो क्या मैं कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले लेती उससे रिकवर हो जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एफए प्लस जिंक और स्पाइरुलिना ले रही हूँ। हाँ आप भी फीड कर रहे हो तो आपको भी सप्लीमेंट जो ले रहे हो वो ही सजेस्ट, क्योंकि आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, एफए प्लस ले सकते हो, स्पाइरुलिना, बाकी जिंक ले सकते हो, और कोई सप्लीमेंट नहीं ले सकते हो फिलहाल। हाँ, मैं ये तीन ही ले रही हूँ, एफए प्लस जिंक और स्पाइरुलिना, तो फिल वक्त तो और कुछ नहीं ले सकते आप। ओके मैम, थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए, खाली ये लगाइए उसके और ये लगाइए, दैट्स इट। रात को इसको लगा दो, दिन में जब वो सो रहा है तो इसको काट लीजिए, काट लीजिए और जहां जहां पे उस पे व्हाइट स्पॉट है गीला करके वहां पे लगा दीजिए, और उसके बाद भी जब लगे हुए हैं तो उंगली एक पानी में भिगो के उसके ऊपर फिर से उसको वेट कर दीजिए। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यस आपका आवाज आ रही है अब, ठीक है बताइए आप। पूनम शर्मा जी ना, गुरप्रीत बोल रही मैं। ओके गुरप्रीत जी बताइए। हाँ जी मेरे को ये पूछना था। हेलो मैम। हेलो कैसे हो? बस एकदम बढ़िया गुरप्रीत, हाउ आर यू? बढ़िया। और मैंने ये पूछना था, वैसे तो आपके प्रोडक्ट सभी अच्छे लगे, मेरे को ना एक्चुअली प्रॉब्लम है कि डार्क सर्कल की। डार्क सर्कल में हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इसको भी आप डिप करके आंखों के नीचे रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड आप इसको, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं रख सकते, इसको पूरी आंख कवर करनी पड़ेगी, या इसको पूरा वेट करके तो इस तरह से फोल्ड करके आंख के ऊपर रख सकते हैं। और हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो मैं बता भी चुकी हूँ। ओके ओके, एक और पूछना था जी। एक्चुअली मेरे फेस पे पिंपल तो नहीं है, बस छोटे छोटे से दाने हैं, मतलब पहले क्लीन था अभी नहीं है। हाँ। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूंगी क्या यूज करूँ? ये जेल यूज कीजिए, इससे मसाज कीजिए,
ओके 10 मिनट्स इससे मसाज कीजिए, चला जाएगा। और अगर दाने हैं तो एक्चुअली पिंपल नहीं है, बस छोटे छोटे से जैसे होते हैं ना, अगर ये है तो इससे कीजिए। ओके डार्क सर्कल के लिए भी इसको कीजिए, आंखों के नीचे। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। गुरप्रीत जी आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस थैंक यू सो मच। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी संजीत चौहान जी को। संजीत चौहान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये जी मेरे भाई ये ओरी केयर पेस्ट कर रहे हैं जी, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है दांतों में। क्या और बाकी घर वाले सब कर रहे हैं जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई को जी उनमें पेन होता है दांतों में ये यूज करने से। हाँ जी। इससे तो पेन खत्म होता है? नहीं मैम, घर में सबको अच्छा सूट हो रहा है लेकिन भाई को सूट नहीं हो पा रहा। ये उसको बोलो उसके दांतों में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको बोलो सोल्ट वाटर के गार्गल करे रात को सोने, ये यूज करने के बाद सोल्ट वाटर के गार्गल करे, खाने के हर खाने के बाद सोल्ट वाटर से गार्गल करे। हाँ जी ठीक है वो। और इसको रेगुलर यूज करे, रेगुलर यूज करने से उसके दांतों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी मैम। 4 टाइम यूज करना है, 2 टाइम उसको यूज करने को बोलो। हाँ जी मैम। और मैम एक 12 साल की गुड़िया है, उसको मैं जिंक और मल्टीविटामिन दे रहा हूँ लेकिन अब उसको खुजली हो रही है, थोड़ी ताने से हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं दाने? फेस पे? हाथ पे भी है, खुजली लगती है उसको, हल्के हल्के बारीक बारीक दाने हैं बिल्कुल। तो वो सप्लीमेंट से नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सप्लीमेंट से नहीं हो रहे, वो किसी और वजह से हो रहे होंगे, या तो दाने गर्मी की वजह से, पित्त की वजह से भी हो सकते हैं। हाँ जी मैम। बटर मिल्क दीजिए, नारियल पानी, ठंडी चीजें दीजिए, दही ज्यादा खाने को बोलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पूनम शर्मा जी जो हम बोल नहीं पा रहे थे, उनका कोई माइक में इशू था, तो पूनम शर्मा जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूनम शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं साक्षी को बोलूंगी, वो अभी क्वेश्चन आपका अभी ले लेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, मुझे इनका नाम पढ़ना नहीं आ रहा, RAYEES राइस जेके, राइस जेके, RAYEES जेके, अगर पैनल में अवेलेबल है तो अपने आपको अनम्यूट कीजिए। यस यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, मैं जे एंड के कश्मीर से बात कर रहा हूँ, रईस अहमद, शेख उजैद की टीम से हूँ जी। और मेरा सवाल है, ये जिसको वो ना लिकोरिया वाइटनिंग होगी और उसका वेट भी ज्यादा है, उसको हम क्या दे सकते हैं वेट लॉस के लिए? अभी अभी मैंने बताया कि BCM यूज कीजिए वेट लॉस के लिए, और हमारा चीटोसन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, टी पोली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ओमेगा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वेट लॉस में। तो उसकी वाइट डिस्चार्जिंग भी है? वाइट डिस्चार्ज के लिए जिंक, जिंक और ये पेंटिलाइनर, पेंडिनेलर के लिए वाइट डिस्चार्ज के लिए, और साथ में जिंक दीजिए सुबह शाम, 2 सुबह 2 शाम को। पेंडिनेलर डेली यूज करना है? पेंटिलाइनर डेली ही यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वाइट डिस्चार्ज ज्यादा है तो जो सुबह का है वो रात को चेंज करें, रात को दूसरा यूज करें, एक दिन में एक रात में 2 यूज करने हैं एक दिन में, अगर डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे नेक्स्ट में अनम्यूट करना चाहूंगी पूजा विश्वकर्मा जी को। पूजा जी आप मुझे सुन पा रहे? हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। और मैम मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन था कि मेरी डॉटर है, उनके एल्बो पे ये जो पोर्शन है इतना, यहाँ पे दाने दाने बहुत है, सिर्फ इसी हाथ में, लेफ्ट हैंड पे, इस हाथ में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दाने दाने बहुत है उसको,
तो ऑयल हमारा जो है वो काम करेगा मैम? काम करेगा। एक आप बात नोटिस करना, वो जो राइट हैंड पे या जिस पे भी है वो ज्यादा नीचे टच करती होगी टेबल पे या कहीं पे भी, वो एल्बो ज्यादा यूज करती होगी, दूसरी एल्बो कम यूज करती होगी, यहाँ नहीं है। तो वो भी काम करेगा, हमारा ऑयल काम करेगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, ऑयल के अंदर नींबू डाल के, ऑयल के अंदर नींबू डाल के या नींबू का जो छिलका रहता है उसमें हमारा ऑयल डाल के कुछ बूंदे, 4 बूंदे, तो वो उसको अच्छे से रब कीजिए, उसको ऐसे रख के भी बैठ जाए, जैसे नींबू है तो उसमें ऐसे रख के भी बैठ जाए, तो वो यूज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगी नीतू अग्रवाल जी को। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो। हाँ मैम, मेरे 6 साल का बेटा है मैम, है ना, उनको उसका दांत बिल्कुल जैसे ड्राई, वो टूट गए हैं, पूरे सड़ गए हैं। और मैंने पहले तो उसको रात को जैसे पूरा तकिया खून से भर जाता था, पूरे रात में खून आते थे बहुत ज्यादा, तो मैंने ऑरिकेयर पेस्ट रात भर लगा के छोड़ा है, तो अब तो खून तो नहीं आ रहे बट उसके अभी भी दांत पूरे सड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, सड़े हुए कोई इलाज नहीं कर सकते, वो दूध के दांत है, वो दांत गिर जाएंगे, अच्छे वाले आ जाएंगे, बस 2 टाइम उसको टूथपेस्ट करवाते रहिए। वो ठीक, मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे, मतलब 100% ठीक हो जाएंगे, वो गिरेंगे और नए जो आएंगे वो अच्छे साफ सुथरे आएंगे आपके दांतों जैसे। और वो मतलब रात को तो वो करता ही है और सुबह भी करता ही है, तो उसको लगातार कराते रहूं मैं पेस्ट? यस। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी कोमल रूपानी जी को। मैंने जितने भी हैंड रेस थे सबके नाम लिख लिए हैं, तो डोंट वरी, आपके मैंने लोअर हैंड कर दिए, तो आप परेशान मत होइए, सबका नंबर आएगा। कोमल रूपानी जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। कोमल जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा लाउडर बोलिए। अभी आ रही है? हेलो फरीदा जी, आपको वॉइस आ रही है? अभी आई है जी, बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, मैं कह रही थी मेरा बेटा है 11-12 साल का, उसको मुंह में हमेशा ही छाले रहते हैं, पास पास में 2-2 छाले एक साथ होते, कभी कभी। मल्टीविटामिन दीजिए, विटामिन बी की कमी, पानी कितना पीता है, पानी कम पीता होगा। अच्छा, तो पानी ज्यादा पिलाइए। और आजकल गर्मी है, गर्मी के मौसम में बटर मिल्क और दही ज्यादा दीजिए, नींबू पानी ज्यादा दीजिए, लिक्विड ज्यादा दीजिए। और दूसरा मल्टीविटामिन, 11 साल का है तो आधी टैबलेट दे सकते हो, आधी टैबलेट दे सकते हो, तो रोज मल्टीविटामिन दीजिए। और आप ऐसे कर सकते हो, आधी सुबह को आधी शाम को 2 टाइम दे दो ऐसे, तो मल्टीविटामिन दीजिए। और जहाँ पे उनके माउथ अल्सर होता है, तो सोने के टाइम पे वहाँ पे टूथपेस्ट लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, एक और मेरी सिस्टर है, उसको ना पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, इतना पेन होता है, 15-16 साल की है, तो उसको सप्लीमेंट दे सकते पीरियड्स में? पीरियड्स में हाँ, और वॉमिटिंग हो जाती है, इतना पेट दर्द होता है। पीरियड्स में उनको कितने दिन पीरियड्स रहते हैं? यही 4-1 दिन। ओके, तो उनको मल्टीविटामिन दीजिए और ओपीसी दीजिए एंड जिंक दीजिए, जिंक एंड ओपीसी मल्टीविटामिन। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी शाह हुसैन जी। शाह हुसैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शाह हुसैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे सुन पा रहे? शायद पैनल में नहीं है। जोया खान, जोया खान अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जोया खान भी नहीं है। खुशी शर्मा, खुशी शर्मा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? खुशी शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, तो यहाँ पे राधा मंगल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग फरीदा मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग नीता जी। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आई एम राधा मंगल, 7-स्टार फ्रॉम जयपुर। फरीदा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी भतीजी है, उनके बाल ना जब वो तेल लगाकर शैम्पू के आती हैं तो तेल उनमें से जाता नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए।
बालों के लिए जिंक बहुत जरूरी है, ओमेगा बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत जरूरी है, और साथ में हमारा ये तो है ही, इसमें आप स्पाइरुलिना डालिए, स्पाइरुलिना डाल के इसमें उसको अप्लाई कीजिए, और साथ में हमारा जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर है उससे सुबह शाम दो टाइम उससे मसाज कीजिए सर पे, स्कैल्प पे, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। हनी जब वो ऑयल लगाकर मतलब संडे को जैसे ऑयल लगा लेती है पहले, फिर शैम्पू करके आती है अपना ये ऑयल टियांस का ऑयल यूज करके शैम्पू करके आती है टियांस वाले शैम्पू से ही, तो उसका ऑयल जाता नहीं है हेयर में से, तो कम लगाने को बोलिए, उसके बाल जो है हेयर जो है ऑयली है नहीं ड्राई है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। हाँ तो तेल कम लगाने के लिए बोलिए, और शैम्पू अगर ऑयल अगर जाता नहीं है तो दो बार शैम्पू करने को बोलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी साक्षी पूजा उनका क्वेश्चन आ गया है पूनम शर्मा जी का। जी जी, उनका क्वेश्चन है कि मैम मेरे हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जब हेयर वॉश करती हूँ। बताया हेयर लॉस के लिए, आप तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब मैं बोलती हूँ तो आप लिख लीजिए। तो एक तो मैंने बोला जिंक बालों के लिए बहुत जरूरी है, ओमेगा बालों के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन बालों के लिए बहुत जरूरी है, ये बालों के लिए बहुत जरूरी है, और साथ में हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर। या तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जिनको भी हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेयर ऑयल यूज करना है, उन्हें जिंक लेना है, ओमेगा लेना है, और प्रोटीन के लिए हमें स्पाइरुलिना लेना है, और हमारा जो मल्टीफंक्शनल हेयर केयर एपरेटर है उसको यहाँ पे यूज करना है बालों के लिए। तो ये जो पांच प्रोडक्ट है इसको यूज करना है स्कैल्प में, धीरे 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 कंघी जैसे करते हैं, धीरे 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 पूरे पे यूज करना है। यस यस, तो यहाँ पे ना नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली मैम हम मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर का रखेंगे, क्योंकि लेडीज को है ना डार्क सर्कल बालों का ये वो पिंपल्स, तो इसके लिए बड़ा कैरिंग हो रही है लेडीज, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन हम मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर का रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी AJI Chand, तो प्लीज ये जो भी है अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फरीदा। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग नीता अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। मेरा एक क्वेरी है मैम। यस सर। एक पेशेंट है जो लगातार 3 महीने से पेंटी लाइनर यूज कर रहे हैं, जिंक भी ले रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम? जैसे आपने वाइट डिस्चार्ज की परेशानी उनको, तो जैसा आपने बताया कि 15 डेज में हो जाता है, तो ओके। उनको सर कितने सालों से हो रहा है वाइट डिस्चार्ज, और उनकी एज क्या है? उनकी एज करीब 20 इयर्स है। ओके, यंग गर्ल्स को सर, जो स्कूल गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स उनको ज्यादा टाइम लगता है। अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, रात को सोते वक्त उनको बोलिए 2 कैप्सूल ऑफ चिटोसन के 2 कैप्सूल वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वो, और जो सुबह को पेंटी लाइनर रखते हैं उसको रात को चेंज करना है, और जो रात का है वो नहाने के बाद सुबह को चेंज करना है, वो करना है, और साथ में उनको जिंक देते रहिए बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि बहुत लोगों का भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, बट वो पुट अप ना कर पा रहे हो, तो उन लोगों को भी एक क्वेरी क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी पिंकी लांबा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग मॉर्निंग जी फरीदा मैम, गुड मॉर्निंग, और जितने भी पैनल में है सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऐसे मैं खुशी शर्मा बोल रही हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैंने यहाँ से अनलेस किया था, और आप बहुत दिनों बाद आई मैम, तो आपको वेलकम है। थैंक यू मैम, मैं घूमने निकली हुई थी, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। ओके ओके, तो आप बहुत सुंदर लग रही है मैम, हमेशा बहुत सुंदर लगती है, तो आज बहुत और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू।
और जो आपने बोला था ना अभी डिशवाश का जो आपने दिखाया था वो मेरे घर में रिजल्ट आया है। मैं तो महसूस किया है जब से मैंने डिशवाश यूज किया है जब से लेकर अभी तक मेरा बेबी घर में बीमार नहीं हुआ है। क्योंकि जो हम जब मार्केट का यूज करते थे जब हमारा घर में सब लोग बीमार होते थे हर महीने में 2 से 3 हजार का सप्लीमेंट मतलब हमें बाजार से लाना पड़ता था दवाइयाँ। और जब से मैंने यहाँ का सप्लीमेंट यूज कर रही हूँ हैंडवाश भी यूज करते हैं और डिशवाश जो हम बर्तन धोते हैं। अच्छा हाँ जी जब से वो बहुत जरूरी है वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो वही आप बोले ना मैं बर्तनों को लगा रहता है इसलिए मैं बोलती हूँ वही केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं तो बार बार बीमार पड़ते हैं। अगर हम इसको यूज करेंगे तो कभी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए जितने भी लोग पैनल में है। और यहाँ पे पिंकी लांबा जी जो भी है आप खुशी जी आपका कोई क्वेश्चन है इनके रिगार्डिंग? बहुत अच्छा फीडबैक इन्होंने दिया है कि जब से मैं ये यूज कर रही हूँ डिश वॉश तब से मतलब बीमार पड़ रहे हैं कोई बीमार नहीं पड़ रहा इतने अच्छे रिजल्ट। हमारा बेबी तो मतलब 1 साल हो गया मेरा लड़का अभी तक अस्पताल में लेके नहीं गई मतलब 3 से 4 हजार मेरा हर महीने का बच रहा है और मैं खुद भी बीमार नहीं हूँ फैमिली में कोई बीमार नहीं पड़ रहा तो इतना बढ़िया रिजल्ट है। और साथ में मैं जिंक देती हूँ उसको और कभी कभी मल्टी विटामिन के आदि भी देती हूँ और स्पाइलूना टाइम टाइम में उसको देती हूँ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है घर पे। और मैं ये पूछना चाह रही थी मैम जो चिप आपने चबाया था कि ये प्रेग्नेंट लेडीज भी चबा सकती हैं? क्या फिर से बोलिए? जो हमारा जो एंटी मतलब एक्सी जो हमारा चिप है ग्रीन कलर का जो आपने डेमो करने के बाद आपने चबाया है तो ये क्या जो पेट में बच्चा होता है वो लेडी भी चबा सकती है? हाँ चबा सकती है ये तो एनर्जी है और कुछ नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी पैंटी लाइनर यूज उनको तो जरूरी है क्योंकि अगर वो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज को ये यूज करना बहुत जरूरी है उनको तो हमेशा यूज करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और ये चबा सकती है प्रेग्नेंट लेडीज। जी मैम थैंक यू सो मच और मेरे को बोलने का मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच पिंकी जी आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगी शोभना विजय जी को। शोभना विजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका सेशन बहुत अच्छा था हम इंतजार करते हैं आपके सेशन का। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरे फेस पे ना मतलब इस जो डार्क कलर्स है वो पेचेस टाइप के हैं जैसे इस पोर्शन पे पूरा अलग बना हुआ है इस जगह पे अलग पेसेस बने हैं तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पिगमेंटेशन के लिए इन्होंने जैसे बताया कि जो मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो मल्टी फंक्शनल हेडगियर पिगमेंटेशन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर ही रखेंगे तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ पर हम अगले सेशन के लिए रखते हैं। ओके थैंक यू मैम। अगला सेशन कीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अब 2 क्वेश्चन और है देन हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। यहाँ पे आकाश चंद्रा गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आकाश चंद्रा गुप्ता जी हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं टी पॉली डेली लेता हूँ लेकिन मैं इसको ब्लैक टी के रूप में लेता हूँ काढ़े के साथ मिलाकर तो क्या ये ब्लैक टी के समय लेना ठीक रहेगा या आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना ठीक रहेगा? मॉर्निंग में ठीक है एम्प्टी स्टमक लेते हो इट्स गुड ये ठीक रहेगा मैं काढ़े के साथ उसको मिक्स करके लेता हूँ। ओके मैम ठीक ठीक ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लास्ट हमारा क्वेश्चन है संतोष चूरू से। संतोष जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा ने 2007 से वाइट आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम मेरी बहुत हल्की सी धीमे से आ रही है। मैं मेरे 2007 से वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है और मैं सितंबर से ये पैंटी लाइनर यूज कर रही हूँ। बीच में मैंने 2 महीने बंद किया लेकिन एकदम पूरा आराम नहीं मिला है तो मैं क्या कौन सा सप्लीमेंट लूँ? वाइट डिस्चार्ज से अगर आपको पूरा आराम नहीं मिला आप साथ में जिंक खाइए और चिटोसन के 2 कैप्सूल वजाइना के अंदर इंसर्ट कीजिए। ओके
सुबह शाम है, ये एक व्हाइट वाली कह रहा है और एक रेड वाली कह रहा है, इनके चालीस शाम जी। मैम मेरा वजन मैम आपकी आवाज कम है, वजन कम है, कम वजन है तो स्पाइरुलिना लीजिए और मल्टीविटामिन लीजिए, हमारा फाइबर आ जाएगा तो फाइबर लीजिए, और सुबह ब्रेकफास्ट में पहले केले, दो केले खाइए और दो केले खाने के बाद एक ग्लास दूध का पीजिए, हमारा प्रोटीन डाल के, प्रोटीन आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा उससे। तो आपको क्लियर हुआ संतोष जी? संतोष जी के शायद नेटवर्क का इशू है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत अच्छा सेशन रहा, उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे 8-स्टार लीडर की शेयरिंग के लिए बुलाऊंगी, सिर्फ 2 8-स्टार लीडर को लूंगी लास्ट मैम। तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी संजय मिठाला जी, 8-स्टार फ्रॉम जयपुर। थैंक यू सो मच नीता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फरीदा मैम, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, और लिटरली फरीदा मैम बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स, और क्योंकि आपका सेशन है ना, लिटरली हमें प्रोडक्ट्स के बारे में इतना डीप पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या काम करते हैं। अगर मैं इस मीटिंग को इन शॉर्ट बोलना चाहूं तो आज तक जितने भी लोगों के घर में होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट आ रहे थे किसी भी लाला की दुकान से, आप बोलते हो ना लाला की दुकान से, वही रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी लाला की दुकान से प्रोडक्ट आ रहे थे, बेसिकली आज तक हम बीमारी खरीद के लेके आ रहे थे अपने लिए, पैसे तो दे ही रहे थे लेकिन बीमारी भी खरीद के लेके आ रहे थे। तो अगर अपने घर में उन प्रोडक्ट्स के थ्रू बीमारी लाना अगर आपको जरूरी लगता है तो उसी लाला से रेगुलर खरीदें आप। अगर आप चाहते हैं बीमारी को दूर करना तो टियांस के जो होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो फरीदा मैम ने इतने प्यारे अच्छे तरीके से बताए, उनको आज की आज ही अडॉप्ट कर लें अपने घर में और उनको अपना फैमिली मेंबर बना लें, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके घर से बीमारियां भी दूर होगी और हम एक हेल्दी लाइफ भी जियेंगे। दूसरा एक काम और बोलना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नीता मैम ने कहा 8-स्टार लीडर तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। हमारा एक एक प्रोडक्ट होम केयर का एक एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो अकेला हमें गोल्ड लोन तक लेके जा सकता है। अगर हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे तो गोल्ड लोन तक एक सिंगल प्रोडक्ट लेके जा सकता है, इतने पावर है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि हमारा बिजनेस लिटरली, जो लोग सीरियस हैं अभी तक भी रुके हुए हैं वो लोग, उन लोगों को पता चल जाएगा ये बिजनेस कितना आसान तरीके से हो जाएगा। सैनिटरी नैपकिन का इतना प्यारा डेमो है, डिश वॉश का इतना प्यारा डेमो है और हैंड वॉश का इतना अच्छा डेमोस्ट्रेशन बताया, डिटेल में बताया मैम ने, और सबसे गुजरात में वो पूर्वी का जो गोल्ड लाइन बनी है सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट हम पहले सैनिटरी नैपकिन पे हम भी काम करते थे, नीता मैम ने बहुत अच्छा काम किया सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, लेकिन हमें प्रोडक्ट का, दूसरे प्रोडक्ट का कई बार क्या होता है, हम जिस प्रोडक्ट के पीछे लग जाते हैं ना उस प्रोडक्ट का हमें लगता है यही से बिजनेस आएगा, लेकिन अब पता चल रहा है जिसे आप डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हो, पहले भी हमने बहुत सेशन आपके अटेंड किए हैं कि हमारा तो एक एक प्रोडक्ट बहुत कीमती है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। हम क्यों एक घर से एक ही प्रोडक्ट देके वापस आ जाएं, हमारा कोई भी कस्टमर हमारा एक ही प्रोडक्ट यूज करे, सभी के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास में कम से कम उसके पास 6 से 7 8 10 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो उसके घर में एवरी मंथ जा सकते हैं और दूसरा हमारा बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फरीदा मैम आपकी बेस्ट और इतनी इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग के लिए, थैंक यू सो मच अगेन, वेलकम, बेटर टियांस एंड बेटर लाइफ मैम, नीता मैम बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ। और मैं यहाँ पे लास्ट शेयरिंग लेना चाहूंगी हमारे जयपुर से 8-स्टार लीडर मिसेस अर्चना भगोड़ जी। अर्चना भगोड़ जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू नीता जी, गुड मॉर्निंग फरीदा मैम, गुड मॉर्निंग जी। आपने जो आज जो प्रोडक्ट डेमो, चेहरा भी नजर आ रहा कोई बात नहीं मैम, मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना सॉरी अभी मैं आ नहीं सकती। आपने जो आज डेमो बताया एक एक प्रोडक्ट के, बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपने। मैंने क्या है कि इसका पेस्ट का एक डेमो तो देखा था, पर आपने जो कुछ नया दिखाया ना आज, वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया, और आपने जो अपना कीमती समय आज दिया हम सब लोगों को, तो इसके लिए मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपके लिए। और मैम एक एक प्रोडक्ट मार्वेलस है टियांस का, और फ्रिज प्यूरिफायर का जो आपने बताया कितने कितने यूज है इसके हमारे लाइफ में। अगर हम
कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे आज की कोरोना के समय में, हम बच रहे हैं अपनी और इन प्रोडक्ट और इन डिवाइस की वजह से हम जो फिट हैं या स्वस्थ हैं, तो ये हमारे लिए मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पर. राइट, सो थैंक यू मैम आज के लिए. वेलकम, थैंक यू नीता मैम. थैंक यू सो मच अर्चना जी. और नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर सेशन. और आपको पता है जब हम स्टार्टिंग में बुलाते हैं तो एंड में भी हम यहाँ पे हमारे वन स्टार गोल्ड लॉयन वासुदेव सर को बुलाना चाहेंगे पैनल में. तो प्लीज सर आप आइए और हम फिर इस सेशन को एंड करेंगे. और जितने भी लोग हैं वो प्लीज जल्दी से कैमरे में आ जाइए. सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे रहीस जी का एक क्वेश्चन है, तो क्या मैं ले सकती हूँ इसको मैम? ले लो. ठीक है रहीस जी. सर एक सेकेंड, रहीस जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए. जी जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन था. हमारी घर में एक लेडी है, तकरीबन 30 है उसकी उम्र. उसकी जो बाएं लेग है, जब वो थोड़ी सी कोई काम करे, मतलब सफाई करे या बर्तन धोए, तो उसका बायां वाला पैर बिल्कुल गर्म हो जाता है और लेग में उस टांग में पेन होती है. वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनकी? मुझे लगता है वो दोनों लेग्स पे प्रॉपर बैलेंस करके नहीं चलते, एक पे जरा ज्यादा वेट डाल. उनको पूछो कि कमर में दर्द रहता है? कमर में नहीं रहता है. हाँ, तो वो दोनों लेग्स पे बैलेंस इक्वल नहीं कर पा रहे. उनका पहले पैर चेक करो, उनको लिटा के उनकी इंची टेप लेके उसके नेवल से लेके अंगूठे तक नाप के देखो कि दोनों पैर बराबर है. मुझे लगता है कि वो एक जैसा बैलेंस, बराबर बैलेंस रख के नहीं चल रहे, एक पे ज्यादा वेट दे रहे हैं. तो जो ज्यादा यूज हो रही है उसी में हीट आ रही है, जो कम यूज हो रही है उसमें नहीं. तो आप पेंटी लाइनर यूज कीजिए और बीसीएम, पैर के नीचे पेंटी लाइनर और बीसीएम यूज करवाइए उनको. बीसीएम पे कितने साल की है? 11 साल? नहीं नहीं, 28. तो बीसीएम यूज करवाइए, बीसीएम पे खड़ा कीजिए. और दूसरा जिसमें हीट आती है वो पैर के नीचे पेंटी लाइनर रखवाइए. और ओपीसी खाने के लिए दीजिए, ओपीसी और जिंक दीजिए खाने के लिए. एक साल पहले उसको हुई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसमें तो उसने वो कोएंजाइम खाया था, उसे फर्क पड़ी थी. लेकिन वो कोएंजाइम तो शॉर्ट है, अभी पता नहीं आया हुआ कि नहीं. आने वाला है, बहुत जल्द आएगा. बिल्कुल, थैंक यू मैडम. ओके, जिंक दे सकते हैं? ठीक है, जिंक तो दे देंगे तब. जिंक और ओपीसी. ओपीसी क्या है, बॉडी में कहीं पे भी क्लॉटिंग है ना, तो उसको क्लियर कर देता है वो. यस मैडम. ओके मैडम, ओके. तो थैंक यू सो मच. आई होप रहीस जी आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे. और यहाँ पे सविता चौहान जी ने लिखा है, तो यस आपको ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. आप यूट्यूब पे प्रियांश जयपुर के नाम से हमारा लिंक है, उसको सर्च कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं. सविता जी आप अपने, हमारी जितनी भी मीटिंग्स अभी तक की हुई है सारी यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो आप प्रियांश जयपुर के नाम से सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वन स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव बगोर जी को. यस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नीता जी एंड फरीदा जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स. और जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उनके लिए भी बिग थैंक्स. एंड बहुत अच्छा सेशन रहा और हम टाइम टू टाइम इस तरह के शानदार सेशन करते रहेंगे और फरीदा जी की हेल्प लेते रहेंगे हम लोग. सो ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस को रन करने के लिए. सो इट्स नाइस. एंड अभी हम कंक्लूड करेंगे सेशन को एंड थैंक यू वेरी मच फरीदा जी वंस अगेन. बिग थैंक्स फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे नेक्स्ट सेशन फरीदा जी का नेक्स्ट थर्सडे रहेगा, जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर से रिलेटेड सेशन रहेगा. तो आई होप हम भी इस पैनल को बड़ा कर लेंगे तब तक, क्योंकि आज हमारे पास एक लिमिटेशन थी सिर्फ 100 लोगों की. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पैनल को सिर्फ एक महीना हुआ है और आज हमारी स्ट्रेंथ 100 तक पहुंच गई है. तो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. वी विल रॉक डेफिनेटली. जयपुर प्रियांश भी रॉक करेगा और मुझे पता है अगले 2 महीने में ये पैनल 300-400 लोगों तक जरूर पहुंचने वाला है. यस, तो सब कैमरे में आ जाइए और हम एक साथ बोलेंगे इट्स टाइम टू से बाय एंड बेटर टियांस बेटर लाइफ. बाय मैम. बाय टियांस बेटर लाइफ. बाय बेटर टियांस बेटर लाइफ. बाय बेटर टियांस बेटर लाइफ.
Bye. Goodbye. Good night, everyone. Have a nice day. Thank you.